Ma'am, can we get to see your terrace garden or the kitchen, etc. also? आप फोटोज वगैरह शेयर कर सकोगे? सेकंड थर्ड फ्लोर पे है, सेकंड थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में बाद में पूरी वीडियो मैम हाँ थोड़े एक वीडियो बट अ स्मॉल क्लिप्स बहुत तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, थोड़ा एक दो ग्लिम्सेस होंगे, पूरा नहीं, बट आई शेल लेटर, डेफिनेटली यू डेफिनेटली लेटर व्हेनेवर यू हाँ गेट द टाइम। आई शेयर वीडियो पूरा का, लवली, थैंक यू सो मच। चाहते हो उतने का भेज देंगे। हमारे ग्रीन थंब ग्रुप में बहुत सारे बहुत सक्सेसफुल टेरेस गार्डनर्स हैं। वाह, ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी ऑन द डे टू। और डे टू में रितु जी आपको और बहुत सारी यार चीजें बताएंगी कि आप घर पे कैसे वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो। आई एम श्योर कल आपने बहुत सारा चीज सीखा, बट आज हम थोड़ा और हम डिटेल में देखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने सीख लिया मगर उसको आपको अप्लाई करना है। यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव। अगर आप वो इनिशिएटिव नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो दैट इनिशिएटिव, वो एक्शन मोड में हमें आना है। नॉलेज ग्रहण लिख करके अगर आपने उसको रख दिया, कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे। तो आप जब करने लगोगे धीरे धीरे वो चेंजेस आपके अंदर, आप अपने घर पे अपने एनवायरमेंट में, बाकी सबको छोड़ो खाली अपने लिए ही अगर आप करोगे, उधर से ही आपका ग्रोथ होगा। तो पहले मैं एक आपको वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे ऋतु जी ने शेयर किया था, कि वो सारे घर पे ही ग्रो किए हुए वेजिटेबल्स है। तो आप उनको देखोगे तो आप खुद समझोगे कितने ब्यूटिफुली आप खुद अपने घर पे आप ग्रो कर पाओगे। तो जस्ट मैम शेयरिंग द वीडियो। हम उसको रुकिए, अभी आई थिंक 4 o'clock पूरे नहीं हुए, हम वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट फोर ओ अच्छा क्लॉक की, उसके बाद शेयर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप हमें खुद लेना है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रितु जी और मैं हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने सीख लिया मगर अभी आप में से कौन अपनी खुद की कम्युनिटी या सोसाइटी में आप ये सेम प्रोग्राम होस्ट करवाना चाहते हो हमसे, तो आप प्लीज अपना नेम और मोबाइल नंबर, आपको ग्रुप में भी मैं लिख दूंगी तो आप वो शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, हमें क्लैरिटी आएगी कि कौन अपने घर पे, अपनी कम्युनिटी में, अपने एनवायरनमेंट में वो चेंज करना चाहता है, वो एक एक बदलाव, मतलब वेस्ट जो है ना, अगर वेस्ट को अगर आपने ठीक से मैनेज किया तो कई सारी चीजें तो वहीं पे आपकी रेक्टिफाई हो जाती है। और फिर आप इमेजिन जस्ट दी एक्साइटमेंट मैं आपको बता नहीं सकती, जब आप ग्रो करते हो वेजिटेबल्स स्पेशली आपके बैल्कनी में, और जब आप पहला आपने फॉर एग्जाम्पल टोमेटो ग्रो किया या आपने लौकी करी या जो भी आपने किया, जब आप उसको एक छोटा सा उसका फूल देखते हो, आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही लेवल की होती है। तो ग्रो, आप भले छोटी छोटी चीजें ग्रो करो मगर ग्रो करो और आप एक्सपीरियंस करो, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। तो रितु जी शुड आई शेयर या और 4 मिनट है मेरे इसमें, या वेट करो? कोई बात नहीं, हम 4 बजे ही शेयर कर लेते हैं, अच्छा तब तक हम ऑडियंस की बात सुनते भजन, जब तक तो भजन कर लो, ओम हैं। ओम मेडिटेशन कर लो। या तो बचपन से मेरे पेरेंट्स ग्रो करते थे हेलो वेजिटेबल्स, तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि घर में जब वो नींबू उग रहा है या पपीता पेड़ में लगाया है या करेला आया है या छोटा सा वो कड़ी पत्ता भी, जब वो जैसे घर में बना रहे हैं तो कड़ी पत्ते के झाड़ से ड्रम स्टिक के पत्ते, उसकी सब्जी बनती है। आप भिंडी ग्रो कर सकते हो, आप बीन्स, मतलब इतनी सारी चीजें जो आप ग्रो कर सकते हो, उसके लिए ज्यादा स्पेस भी चाहिए नहीं। आप थोड़े से पालक, मेथी, हरा धनिया, मतलब इतनी सारी चीजें जो आप ग्रो कर सकते हो, और वो उस ग्रोइंग का उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे एक बच्चे को आप नर्चर करते हो,
वैसे ही आप जब प्लांट्स को ग्रो करते हो, एक बच्चे के जैसे ही आप नर्चर करते हो. तो आई एम श्योर रितु जी इज डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स. उसका जैसे एक्सपीरियंस एक बिरयानी मंगा अलग फीलिंग है. है तेरे को सांबर का नंबर, मैं पैसे देती तो कोई तो हूँ। ओके मैंने न्यू कॉल कर दिया. तो वी आर रितु जी, आप कुछ बताना चाहते हो आपकी जर्नी की, आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे आपको लगा शुरू शुरू में, मतलब आपकी डिफिकल्टीज भी ले रही होगी कि मतलब कि चैलेंजेस आए होंगे घर से, जैसे जब आपने बायो कंपोस्टिंग चालू किया, तो आपकी जर्नी आप कुछ शेयर करना चाहते हो बाकी सबके साथ? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि आंवला जो है वो खा के बाद में मिठास लगती है, उस टाइम पे जो वो थोड़ा सा कसैला लगता है या खट्टा लगता है, लेकिन ये जर्नी भी वैसे ही है। शुरू में बहुत मेहनत मांगती है, लेकिन बाद में जो इसका रिवॉर्ड है वो वाकई बहुत ही एनकरेजिंग है। मैंने अपने घर में कंपोस्टिंग शुरू की और आसपास कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए तो एक काफिला बन गया। और कैन यू इमेजिन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने खुद कांटेक्ट करके 3 बार ग्रीन हीरो अवार्ड दिया। हालांकि वो मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया था, अपने लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया कि मेरे घर में मेरे बच्चों को पॉइजन फ्री फूड मिले और जो मेरे घर का वेस्ट है वो मैं खुद से ही मैनेज कर लूं। बस ये छोटा सा बेसिक मैंने अपने दिमाग में रखा और वो इतना रिवॉर्डिंग हो गया कि जो मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, वो विधानसभा तक पहुंच गया। मतलब इतना भी रिवॉर्डिंग हो सकता है, मदर नेचर इतना ब्यूटिफुल. ज्यादा सकती है कि आप उसका उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितनी मुझे पहचान मिली है, रेकग्निशन मिली है अपने लुधियाना सिटी में, तो अलग अलग क्लब्स वाले फिर बुलाते हैं कि वर्कशॉप कर दीजिए आके, कंपोस्टिंग को एनकरेज करना है, तो वो वाकई में बहुत ही रिवॉर्डिंग लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी में इस तरह से ग्रुप बनाए और कुछ ऐसी अच्छी बातें करें। एक मैं बड़ा मतलब मजेदार सा आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे किसी का फोन आया तो कहते रितु तुमने बहुत बुरा काम किया। मैंने कहा मैंने क्या किया? कहते देखो ना सास बहू की चुगली कर रही है ना बहू सास की चुगली कर रही है, वो सब अपने पौधे उगाने में लगी हुई है, तुमने तो चुगली वाला एपिसोड ही खत्म कर दिया लोगों के घरों में। तो वो मुझे आज तक याद रहता है। तो कहते तुम इस तरह का इस तरीके से बुरा काम कर रहे हो कि चुगली वाला पुराण खत्म कर दिया तुमने। बिकॉज पौधा लगाना, जाके ऊपर देखना बार बार, वाकई जैसे आपने बोला एक बच्चा जैसे हम नर्चर करते हैं उसी तरह से। चलिए 4 बज गए हैं, तो एक हाँ बार थैंक फिर यू. से आई रियली आई प्रे टू गॉड कि आज भी जो इस सेशन में डिस्कस होगा उसका जो इम्पैक्ट है वो जितने भी देखने वाले अभी प्रेजेंट हैं या इसके बाद रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको एनकरेजमेंट मिले और वो उससे नॉलेज लेके और अब आने वाले टाइम में अपने एक्सपीरियंस से सीख कर अपनी फैमिली के लिए पॉइजन फ्री फूड उगा सकें और जैसे मैं एंजॉय करती हूँ आज अपने गार्डन में, उसी तरह से जितने भी लोग मेरे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं या वैसे भी वो अपने अपने छतों पे अपने अपने बालकनी में अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक प्योर ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक फूड ग्रो कर सके। तो आई शेयर द वीडियो, और वीडियो शेयर करने के बाद में आई हैंड ओवर टू यू. तो एक छोटा सा वीडियो है जो हमें लगा आपको बताना चाहिए कि आप घर पे जब खुद ग्रो करने लगते हो तो कैसे कैसे वेजिटेबल्स आप ग्रो कर सकते हो. तो यू विल हैव एन आइडिया जब आप वो वीडियो देखोगे. तो इस ग्रुप में कुछ सब्जियां मेरे, कुछ फोटोग्राफ्स मेरे घर की हैं, कुछ फोटोग्राफ्स मेरे ग्रुप से हैं। ये ऑस्टर मशरूम है जो कि हमने घर थी और बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स ने लगाई। दिस इज वाटर लिली। अब ये देखिए फ्रेशनेस और कलर इसका देखिए, जस्ट लुक एट दिस। ये मेरी फ्रेंड है पारुल, उन्होंने लगाया पीस। मतलब आपको ये लगेगा कि वाकई ये हम घर में लगा सकते हैं, तो ये सब बालकनी या टेरेस में ही सबने उगाया ये।
ग्रीन्स भी हैं, टमाटर, ये एक आलू की शेप मुझे मदर एंड चाइल्ड जैसी लगी थी। कई बार तो इतनी प्रोडक्शन होती है ऐसा लगता है कि जैसे सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आए। ये देखिए ये मेरा गार्डन था, ये कीनू भी मेरे छत पे लगे हैं, ये तिरंगा मैंने खुद अपने फ्लावर से बनाया था। तो ये लेटस है पर्पल वाली, ये हल्दी, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये आपकी बालकनी में लग रहा है, जो भी ये पिक्चर आ रही है वो सब। तो ये थोड़े से ग्लिम्सेस थे जो कि हमने आपको दिखाए। बहुत 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 कुछ और भी है। तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, ये एक तरह से एक एडिक्शन है और बड़ी मीठी सी एडिक्शन है जो मैं चाहती हूँ कि आप सबको लगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टेरेस गार्डनिंग का, कि किसी के भी घर में हो सकता है जमीन हो, आपके जो खाली जमीन हो, या आपका घर छोटा हो, टेरेस हो, या बालकनी हो, क्योंकि सबने मुझे अपनी बालकनी के साइजेस भी लिखे थे। सबसे छोटा जो साइज था वो था 3 फीट बाय 1.5 फीट की बालकनी का। तो आपने एफर्ट करनी है, तो एक छोटी सी कपलेट है जो मैं सेशन के शुरू में आपको सुना रही हूँ। कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो आपने कल भी मैंने बोला कि सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी इच्छा शक्ति और आपका पैशन कि मुझे ये स्टार्ट करना ही है। जो अभी तस्वीरें देखी थी उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन मुझे अपने गार्डन में लेनी ही है। तो जो टेरेस गार्डनिंग है उससे सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि आप डिटरमिन कीजिए। दूसरा है एक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, अपने जगह देखनी है कि कहाँ पर मैं टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करूं। वो जगह बालकनी हो सकती है या टेरेस या लैंड। टेरेस जो है वो सबसे कम यूज्ड होता है अपनी जगह में। हाँ, जो लोग फ्लैट्स में हैं वो अपनी बालकनी को ही यूज करेंगे। बालकनी में ही पाइप्स या जो आयरन की रॉड्स लगा के स्पेस बढ़ा सकते हैं। अब सेकंड, इसके बाद जब आपने प्लेस डिसाइड कर लिया कि मुझे कहाँ उगाना है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ पॉट, कंटेनर किस चीज में लगाएंगे। तो ये कंटेनर कोई भी हो सकता है, एक ये बास्केट से, छोटी सी बास्केट से लेके आपके पास ये पेंट बकेट में आप उगा सकते हो, प्लास्टिक के पॉट्स में लगा सकते हो, मिट्टी के गमले में लगा सकते हो, सीमेंट के गमले में लगा सकते हो। एक मैं कल भी मैंने आपको एक दिखाया था क्रेट का, ये क्रेट बहुत ही अच्छा एक कंटेनर बन जाता है। इसके अंदर ग्रीन नेट की लाइनिंग लगा के आप इसको एज कंटेनर जो है वो यूज कर सकते हो। बहुत सस्ता रहता है ये, इसमें कोई ज्यादा, इस तरह से आपने जब बना लिया तो ये आपका कंटेनर बन जाएगा। आई होप आपको आज जो चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर नजर आ रही कल से, क्योंकि कल कुछ लोगों ने बोला कि कैमरा की सेटिंग, तो आई एम ऑल्सो लर्निंग साइड बाय साइड। सो ये देखिए आज आपके लिए कुछ ट्रीट है। ये आप देख पा रहे होंगे मेरे टेरेस गार्डन से जो निकला है, ये तो अभी 1 घंटा पहले ही तोड़ा था मैंने, राइट। ये सब कल शाम का है और दो ब्रिंजल जो हैं वो ये अभी के हैं। और ये हैं हमारे चेरी टमाटर, ये सीजन खत्म हो गया, बस एक ही प्लांट बचा था, उसमें अभी भी शायद 40-50 टमाटर लगे होंगे ऊपर।
अगर आपको ये दिखा दी जाए कि आप अपने हाउस फार्म, मैं जनरली बोलती होती हूँ फार्म हाउस नहीं है लेकिन हाउस फार्म है, छत के ऊपर हाउस फार्म जो है, आप जाइए, मान लो आप सब्जी रख के भी आप अगर जा रहे हैं छत के ऊपर तो, और तोड़ के ले आइए। तो एक बार क्या हुआ, सर्दी की एंडिंग थी और मेरे घर में सब्जी खत्म हो रखी थी, तो मेरी डॉटर की फ्रेंड्स आई तो मैं कहती मम्मा आलू वाले पराठे खाने हैं, तो मैंने कहा ओके रुकिए, मैं ऊपर गई अपने कंटेनर से आलू निकाले और अनियन निकाले फ्रेश और उसका हरी मिर्ची डाल के खाना। कहती ये क्या हो रहा है कि मम्मा हर चीज के लिए आप छत पे जाते जा रहे हो। तो पहले जो है उतना कॉपरेशन जैसे फैमिली में नहीं था, धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया। अब मेरे बच्चों के फ्रेंड्स भी आते हैं तो वो सबसे पहले छत पे जाएंगे कि ऊपर जो है वो फार्म हाउस देखने जाना। तो ये फार्म हाउस आपकी बालकनी में भी बनेगा, आप आज ही इसकी शुरुआत कर लीजिए। तो कंटेनर में मैंने शुरुआत में जो किया था, इवन मिक्सी के जग जो पुराने थे, पुराने मेरे बच्चों के जो स्कूल बैग्स थे जिनकी जिप्स खराब हो चुकी थी या वैसे फट गए थे, उसके अंदर भी मैंने कॉलीफ्लावर लगाई। और एक मेरे जो पुराने वीआईपी के सूटकेसेस रहते थे जो आज से 25-30 साल पहले चलते थे, उसके अंदर मैं अपने ग्रीन्स लगाती थी क्योंकि उसकी डेप्थ 4 to 5 inches रहती है, तो उसके अंदर मेरे ग्रीन्स बहुत अच्छे चले, धनिया पुदीना पालक मेथी ये सब बहुत अच्छा चला। और अभी भी मेरी छत पे एक पुराना फ्रिज है जिसकी बॉडी के अंदर पंपकिन लगा है, वो पंपकिन भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये अभी के सीजन में 4-5 पंपकिन्स ये वो उस फ्रिज की बॉडी में से मैं उगाए हैं, तो वो 4-5 निकल चुके हैं, ईच वन इज 600 to 700 grams का। फिर मेरे पास केमिकल वाले ड्रम्स हैं, जैसा मैंने कंपोस्ट बिन बनाया उसमें से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत खर्चा करना है, आप बिना खर्चे के भी बहुत ज्यादा पैसे ना लगाएं, कम खर्चे में भी आप लगा सकते हैं। फिर आपके पास अगर आपको लगता है आपकी छत हैवी हो जाएगी, वैसे तो डरने वाली कोई बात नहीं होती, तो इस तरह के हल्के ग्रो बैग्स आते हैं। इन ग्रो बैग्स के अंदर इनके साइड्स में होल रहते हैं, बहुत छोटा होल है, शायद आपको यहाँ पे है, तो ये 5 mm का होल है, तो आप इसके चारों तरफ होल्स हैं। अगर आप और भी चीप चाहते हैं तो आप इस तरह के बैग्स भी, मतलब मेरे पास ये कम से कम 3 साल चले हैं ऐसे वाले बैग्स, तो ऐसे वाले बैग्स भी रख सकते हैं। जो आटे आप आटा लेकर आते हो, आटे का जो पॉलिथिन होता है, जो आटे का बैग होता है, वो थोड़ा सा थिक रहता है पॉलिथिन, आप उसको भी फ्लैट करके आप उसमें भी एक सीजन के लिए अपनी सब्जियां उगा सकते हो। मतलब विल पावर चाहिए, जब आप जिस नजरिए से देखने लग जाओगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं ग्रो कर सकती हूँ। तो मैंने आपको बताया, एक ये ऐसा पॉट भी आता है जी, ये कपड़े का पॉट है, जैसे ब्लैंकेट टाइप कपड़ा है, इसके अंदर एक लेयरिंग होती है, ये पुराना है थोड़ा, तो लेयरिंग मेरी खराब हो गई, तो ये भी काफी टाइम तक चल जाता है। इसमें इसका क्या फायदा है, क्रेट लो या इसके इसके साइड्स में से भी एयर सर्कुलेट होती है। तो ये है कंटेनर्स, कंटेनर्स आपको सोचने हैं। तो मुझे लोग कहते हैं कि आप जो है अपने नाक कान में भी पौधे जो है वो लगा लोगे, कहीं भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा कोई मटका पड़ा आपके पास, ये छोटा सा मटका, इस ऐसे मटके में आप स्ट्रॉबेरीज धनिया पुदीना लगा सकते हो, पालक भी लग सकती है आपके लिए। तो कुछ भी सिर्फ अपने आसपास देखिए कि क्या है, जो जैसे ये है छोटा सा एक, मेरा ये जग टूट गया था तो इसपे मैंने थोड़ी क्ले लगा के इस तरह से बना लिया, तो इसमें भी आप थोड़ा बहुत कुछ उगा सकते हो। ये सिर्फ ये होता है कि छोटे कंटेनर में हम सिर्फ ग्रीन्स लगा सकते हैं और उनमें पानी थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है बाकियों से। तो अब हमने ये कंटेनर की बात कर ली, अब हमारे पास जो ग्रीन्स हैं उसमें शेलो कंटेनर लग जाता है, 8 इंच तक भी लग जाएगा, लेकिन जो ये सपोज ये कद्दू है या घिया लगानी है, तुरई लगानी है, लोबिया बीन्स लगानी है या कोई और बीन्स है, करेला है, ऐसी चीजों के लिए थोड़ा हमें बड़ा कंटेनर चाहिए होगा। मान लो 15 इंच का जो गमला है वो चलता है, तो उतने गमले में आप चला सकते हो। 12 इंच में करेला चल जाएगा लेकिन घिया तुरई की प्रोडक्शन उतनी नहीं आएगी क्योंकि उसको पौधे को डाइट उतनी
नहीं मिल पाएगी। तो ये बात होगी हमारे कंटेनर्स की। अब हमें देखना है कि हमें उस क्या चीज मीडियम का क्या रहेगा हमारे जो प्लांट लगा रहे हैं हम। आई सपोज ये मेरे पास, मैं ये मैंने सूखे पत्ते रखे हैं, इसमें मैंने आपकी मिट्टी 3 बास्केट भर के रखी है, और ये है खाद है, ये खाद मैंने आज अपनी होम कंपोस्ट जो बनाई है वही यूज की है। यहाँ पर एक नीम खली है। अगर आप बहुत ही लाइट बनाना चाहते हो तो आप परलाइट भी ऐड कर सकते हो। परलाइट वॉल्केनिक ऐश से बनता है, तो ये परलाइट डाल सकते हो। अब सबसे नीचे आपने गमले में क्या डालना है, आपने ये ट्विग्स डाल देनी है। कोई भी ट्विग्स मिले आपको, या इस तरह से कोकोनट का मिल जाइए, ये कोकोनट पानी वाला ही था, मैंने अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिया तो ये काफी सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से कोकोनट है, ड्राई लीफ है, सबसे नीचे आपने ट्विग्स और ड्राई लीफ भरना है उसका। ओ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई कि आपका कोई भी कंटेनर हो उसके नीचे होल जरूर होना चाहिए। अगर आप इस तरह से होल नहीं बनाएंगे तो एयर का सर्कुलेशन कम होगा, दूसरी बात है एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, ड्रेनेज होल कंटेनर में, ड्रेनेज होल। तो इसमें तो बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है, कोई भी कंटेनर जो आपने यूज करना है प्लांट लगाने के लिए उसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है। ड्रेनेज होल में पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, और अगर पानी कई बार ज्यादा हो जाए तो रूट रॉट हो जाता है, जड़ गलने लग जाती है। प्लांट्स के पास हमारे जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, तो उनके पास ना तो नॉस्ट्रल्स हैं हमारी तरह, ना लंग्स हैं, और ना ही ब्लड है कि जो ऑक्सीजन को सारी तरफ भेज सके। तो प्लांट्स का हर पार्ट अलग अलग ब्रीद करता है, तो रूट को ब्रीद करने के लिए सॉयल में जो स्पेसेस रहते हैं एयर के, वहीं से वो ब्रीद कर पाएगा। अगर उन स्पेसेस को हमने पानी से भर दिया तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी और उस सॉयल में प्लांट ब्रीद नहीं कर पाएगा, और अचानक से ही आपका पौधा जो है वो मर जाएगा, ठीक है। तो अब सब, तो ड्रेनेज होल और कंटेनर का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आ गया, आप सुन रहे हैं, जस्ट राइट यस और नो। फिर हम वाटर, इसकी सॉइल प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। मैम कंटेनर के साइड में भी होल्स करने हैं? नहीं, वो आपको इसमें सिर्फ दिखाया था मैम, कंटेनर के इसमें साइड्स में नीचे होल, ये वाला जो बैग ग्रो बैग, ओके, अदर वाले कंटेनर्स में नीचे ठीक है, आप इसको थोड़ा रेड कर दीजिए ताकि पानी निकल जाए ओके। और इस बहुत सारे होल्स हैं, तो मैं ऐसे वाले केसेस में मैं क्या करती हूँ, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर उसको रख देती हूँ नीचे। और उसके बाद हमने क्या करना है, अगर कंटेनर हमारा एक होल वाला है तो इस दिए के थोड़े, ये पुराना दिवाली का दिया है, इसको हल्का सा मैं चिप करके उस होल के ऊपर ऐसे उल्टा करके रख देती, या फिर इस तरह से हमारे जो पुराने मिट्टी के गमले हैं उसके छोटे छोटे पीसेस, इतने इतने पीसेस हम होल के ऊपर डाल देंगे। इनका क्या पर्पज है, एक तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं थोड़ा सा, सेकेंड क्या पर्पज है कि ये ड्रेनेज होल को ब्लॉक नहीं होने देते, क्योंकि ड्रेनेज होल ब्लॉक हो गया आपको पता है फिर क्या होता है, तो ड्रेनेज होल को ब्लॉक नहीं होने देते। और सबसे नीचे अब हमने क्या करना है, ईंट का चूरा या ऐसे गमलों के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे ताकि वो रूट के लिए पानी एब्जॉर्ब करके रख सके। अब उसके ऊपर हम कंटेनर में, चलो हम यही छोटा एक कंटेनर भी तैयार करते हैं आपके लिए, मैंने इसके अंदर कपड़ा लगा दिया था और अब मैं इसके अंदर ये मिट्टी के गमले के पुराने टुकड़े जो है वो डाल दूंगी। अब इसके नीचे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसके नीचे, ये छोटा साइज है सिर्फ डेमो के लिए, इस साइज में प्लांट उग सकते हैं लेकिन सब्जियां नहीं लगेंगी, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके नीचे मैं ट्विग्स या नारियल के ये जो फाइबर्स हैं ये डाल दूंगी। अब इसका क्या पर्पज होगा, ये गलने में बहुत टाइम लेता है, जो भी ट्विग्स हैं जैसे ये ट्विग्स हैं इनको हम छोटा करके इसके नीचे डाल सकते हैं, गलने में बहुत टाइम लेंगे, तो
तो उससे प्लांट को स्लो न्यूट्रिशन मिलता है, उससे प्लांट को क्या है, स्लो न्यूट्रिशन मिलेगा, इसलिए हमने ये डाला। अगर आपके पास नहीं है ये तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से सूखे पत्ते डाल दीजिए थोड़े से, तो ड्राई लीव्स डालेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया हमारे कंटेनर। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम मिट्टी तैयार करेंगे अपनी। तो ये बेस तैयार हो गया, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए इसमें ऐसा कोई हार्ड पास रूल नहीं कि इतना परसेंट ही होना चाहिए, 50% ये चीज है, 30% ये, आप अंदाजे से डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने 3 बास्केट ये भरी हुई है, इस टब में मैं डालूंगी मिट्टी की, ये मेरी गार्डन सॉइल है। एक दो और मैंने 3 बास्केट्स इसमें डाल दी, आपको नजर आ रहा है सबको, क्या आपको ये कर ली? यस यस। अगर कुछ भी सेटिंग कैमरा की करनी हो तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम है, आप भी टाइम लगा के आए हैं तो आपको सब क्लियर नजर आना चाहिए। इसके बाद मैं ये राइस हस्क डाल रही हूँ इसके अंदर, एक बास्केट के करीब। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसमें कोकोपीट डाल सकते हो, ठीक है। कोकोपीट आपको मैंने कल दिखाई थी, अभी आपको अगर ज्यादा क्लियर हो रहा है तो ये कोकोपीट है, हम कोकोपीट डाल सकते हैं। कोकोपीट या राइस हस्क हमारी सॉइल को हल्का बनाते हैं और ये पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करके रखते हैं, लेकिन मिट्टी को सोगी नहीं बनाते। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये एयर को पॉकेट्स बना के रखते हैं मिट्टी के अंदर, एयर पॉकेट्स लग गया कि बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला, 3 ये जो टोकरी है मिट्टी डाली और एक ये कोकोपीट और राइस हस्क डाल दी, और एक ये मेरे पास होम कंपोस्ट है तो मैं एक होम कंपोस्ट डाल रही हूँ। अगर सर्दी होती तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर, वैसे मैं बेस के अंदर भी डाल सकती हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये मस्टर्ड ऑयल केक है। मस्टर्ड ऑयल केक बहुत न्यूट्रिशियस है, अगर गर्मी में यूज करना हो तो आप बेस में छोटा सा पीस डाल दीजिए, अगर छोटा गमला नहीं तो 2-3 पीस आप ऐसे डाल दो, अगर पाउडर में है तो भी 2-3 चम्मच डाल देना। सबसे नीचे रखिएगा, इसको बीच में मिक्स ना करना क्योंकि गर्मी बहुत है अभी, और प्लांट जो है उसको गर्मी हो सकती है और उन्हें भी हमें हमारी तरह गर्मी लगती है। सर्दियों में प्लांट को मस्टर्ड ऑयल कैसे देना है और गर्मी में कैसे देना वो मैं इसके बाद फर्टिलाइजर वाले सेक्शन में बताऊंगी। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास थोड़ी सी नीम खली है, नीम ऑयल केक, ये थोड़ा उड़ भी रहा है, तो ये 2 मुट्ठी मैंने नीम ऑयल केक अंदाजे से डाल दी इसमें इसमें। अब ये कैसे बनती है, ये जो नीम के सीड्स होते हैं उसमें से ऑयल निकल के जो बाकी बचता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल सीड्स में से मस्टर्ड ऑयल निकाल के जो बाकी बचेगा वो मस्टर्ड ऑयल केक है, ऐसे ही नीम ऑयल केक क्या होंगे, जब नीम के बीजों में से तेल निकल जाएगा तो उसमें से जो बाकी जो बचता है वो नीम ऑयल है। अब इससे क्या होगा, वो नीम ऑयल केक होगा सॉरी, उससे क्या होगा, हमारे प्लांट को फंगस नहीं लगेगी, बीमारी से बचाव रहता है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर आप सोचो कि आपके पास नीम खली नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी मिला दो, हमारे पास हर चीज का अल्टरनेटिव होता है, सिर्फ आप शर्त यह है कि आप फार्मिंग अपनी गार्डनिंग शुरू कीजिए, ठीक है। मिट्टी में आपने कोकोपीट मार्केट से अवेलेबल होगी वो डाल दीजिए, और या राइस हस्क डालेंगे, और हमारे पास कंपोस्ट है, इसमें आप जो गाय के गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद है वो भी डाल सकते हो, या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, या होम कंपोस्ट डाल सकते हो, बिकॉज वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज हम डालेंगे, ये देखिए ये क्या है, क्या बताएंगे ये क्या चीज है, मुझे बोन मिल, बोन मिल, बोन मिल जो हाथ से खिसक जाता है वो क्या होता है, सैंड, रेत, रेत है ये, मोटी बालू है,
थोड़ी सी गीली है, कंस्ट्रक्शन से अभी लेकर आई, तो इसमें से मोटे मोटे बजरी निकाल देना आप और बाकी का यूज कर लेना। तो मैं एक ये छोटा कंटेनर इसमें मिक्स कर दिया। रेत का क्या यूज होगा, ये पानी, एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन कर देती है जल्दी, और एयर भी ये बचा के रखेगी अपने लिए। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। बोन मील का आप नाम दिया, आप डालना चाहें डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं डालती अपनी उसमें जो स्लॉटर हाउस पे ऐसे आता हो, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। आप डालना चाहें तो बोन मील डाल सकते हो। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। बोन मील का कोई वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट है क्या? आपको मैं अभी थोड़ी देर में वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट्स देने वाली हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप चाहें तो इसके अंदर एक्सेल भी करके क्रश आप ये जो हाँ जी मिनी जी, आप काउडंग भी यूज कर सकती हैं, लेकिन फ्रेश काउडंग यूज नहीं किया, उससे फ्रेश काउडंग अगर यूज कर रही हूँ। बराबर नहीं आ रहा है मैम। पार्डन, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली मैम। बाकी को भी नहीं आ रही क्या? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी। हाँ, ओके। तो हमने इसको कंटेनर को भर देना अच्छे से। उसमें मैम आप बता रहे थे अगर ताजा गोबर यूज करेंगे तो उसका क्या नुकसान है, तब आपकी वॉइस क्रैक? एक ताजा गोबर जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे प्लांट्स, उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वो हमारे प्लांट की रूट को खराब कर देते हैं। लेकिन थोड़ी अमाउंट में, जैसे हमारे इधर ना जींद हरियाणा में जींदी साइड में एक डॉक्टर सुरेंद्र तराल थे, वो कहते होते थे जैसे जो लेडीज जो है वो काउडन केक्स बनाती है ना, तो वो उनको कहते थे जहां पे आप हाथ धोते हो तो वहां पर घिया का सीड लगा दो। तो मतलब हाथ धोना थोड़ा बहुत लगा होगा उतना, और पानी में सपोज बहुत सारे पानी में 2-3 लीटर पानी में जरा सा डाल के अगर डाल दोगे प्लांट्स में तो कोई नुकसान नहीं, बट अगर आप कहो कि हाँ मैं बहुत ज्यादा डाल दूं तो उसका नुकसान होगा। मैं आपको, मेरे ये मिट्टी काफी दिन से एक बैग में पड़ी थी बट आई डिड नॉट नो कि इसके अंदर ये छोटे छोटे, मेरे गेस्ट हैं वो मैं आपको गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ, एक मिनट। ये छोटे छोटे से अर्थवर्म्स पड़े थे मिट्टी में, तो जब आपकी मिट्टी इस तरह से बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी तो ये मिस्टर अर्थवर्म्स आपके पेट बन जाएंगे, आपकी मिट्टी में भी इसी तरह से होंगे। ये तो बहुत छोटे हैं, अगर गमले में खोलूंगी तो उसमें से बड़े बड़े निकलेंगे, तो मैं इसको भी अपने इसी में छोड़ दूंगी मिट्टी में जो हम अपना गमला तैयार कर रहे हैं। अब जब आप इसमें करेंगे तो इसके अंदर आप पहले 2-3 मतलब जितना पानी आपको लगता है ये होल्ड करेगा उससे ज्यादा पानी आपने इसके अंदर डाल देना, जब तक आप देखो कि ये पानी ड्रेन हो रहा है बाहर, तब आप छोड़ेंगे इसको, फिर ये गमला तैयार हो जाएगा, फिर इसको 2-4 घंटे छोड़ दीजिए चाहे, और ये आपका गमला रेडी हो गया। अगर आप और भी इसको इसमें कह लो कि चाहते हैं कि फंगस ना आए तो इसको भी मैं आपको, ये मेरे पास ये आप देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा है, ये ट्राइकोडर्मा विराइड, तो आप एक चम्मच इसको भी डाल सकते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ही है, ये फंगस को उसके प्लांट के रूट्स में आने नहीं देता। तो मैंने आपको फंगस के लिए नीम खली बताई, नीम खली नहीं है तो आप हल्दी के 2 चम्मच 1 चम्मच डाल दो, अगर वो भी नहीं है, अगर ट्राइकोडर्मा है तो वो 1 चम्मच डाल दीजिए। नीम ऑयल हम स्प्रे के लिए यूज करते हैं लेकिन हम उसको मिट्टी में नीम ऑयल नहीं डालते, हम मिट्टी में ऑयल्स नहीं डालते जनरली क्योंकि ऑयल ब्लॉक कर देता है पोर्स को। हाँ, स्प्रे के लिए हम उसको यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया मिट्टी की प्रेपरेशन है। अब सीड्स किस तरह से होंगे, बहुत सारे सीड्स को हमें सोक करना पड़ता है,
जैसे कि ये मेरे पास जो बड़े साइज के सीड्स हैं, ये एक बीन्स है, बीन्स के सीड्स हैं, ये एक और बीन के सीड्स हैं, तो इनको मुझे सोक करना पड़ेगा। ये सहजन के सीड्स हैं, मोरिंगा के, ये आमरी है, इसको, ये जो छोटा सीड है इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब ये मेरे पास अगर आप देख पाए, ये खरबूजे का सीड है, खरबूजे का सीड एक तरफ से पॉइंटेड रहता है, जब आप इसको उगाएंगे इसको सोक कीजिए एक रात, अब आप पॉइंटेड पार्ट नीचे लगाना, इसका पॉइंटेड पार्ट जो भी घिया का बीज है या तुरई का बीज है, जिस जहां से उसका स्प्राउट निकलता है, जैसे आप मूंग के स्प्राउट्स बनाते हो, वो जो सबसे पहले मूंग के उसमें से आएगा वो स्प्राउट में वो फ्यूचर रूट होता है, वो फ्यूचर रूट होता है। तो रूट को अगर आप पॉइंटेड पार्ट इस तरह से ऊपर जाओगे तो रूट को इस तरह से जाके फिर नीचे आना पड़ेगा, प्लांट को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप पॉइंटेड पार्ट नीचे डालेंगे तो रूट को नीचे जाने में बहुत इजी रहेगा। तो जो घिया, टिंडा, तुरई, जो भी सीड्स वाले पॉइंटेड सीड्स हैं, जैसे आप बादाम भी खाते हैं, उसका एक चीज, एक एज पॉइंटेड है, वो पॉइंटेड पार्ट वहां पर बेबी प्लांट होता है। अब वो बेबी प्लांट में से सबसे पहले रूट आएगी, रूट नीचे जाएगी, इसलिए हम पॉइंटेड पार्ट अगर नीचे रखेंगे तो हमारा प्लांट जल्दी ग्रो कर पाएगा। किसी ने लिखा है कि साफ पाउडर यूज कर सकते हैं। देखिए, सॉइल जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं जनरली कि इसमें फंगस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट पे फंगस का अटैक आने लगा है तो आप साफ पाउडर यूज कर सकते हैं। अगर पहले भी अगर एक आध चम्मच लगा दे, डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भिंडी के बीज है, भिंडी के बीज भी आप सोक करके रात को और सुबह डाल सकते हैं। एक और मैं आपको चीज बताती हूँ कि बीज को पहले ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का फंगस या किसी भी तरह का कोई भी पैथोजेंस है वो बीज से हट जाए। तो सबसे बढ़िया जो तरीका होगा आपके घर के लिए, आपकी आसानी के लिए, वैसे तो हम जीवामृत वगैरह भी या और भी बीज अमृत वगैरह बनाते हैं, तो आपके लिए सबसे इजी होगा, थोड़ा सा एक चम्मच कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, इसमें सीड को सोक कर दो आधा घंटा और फिर इस सीड को प्लांट कर देना। हल्दी हमारी जो होती है वो बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है। राइट, सो साफ पाउडर एक एंटी फंगल पाउडर है जो कि आप अमेजोन से ले सकते हैं, लोकल शॉप्स पे नहीं मिलता, मैंने ट्राई किया। सो इस, ये हो गया हमारा सीड किस तरह से लगाना है, और सीड आपको बहुत अच्छी वैरायटी का लगाना है। अब जैसे आजकल है घिया, टिंडे, तुरई वगैरह, ये दो बार लगते हैं, एक लगता है फेब बिगिनिंग या मार्च में, दूसरा लगता है जुलाई में। अगर आप जुलाई में लगने वाला सीड मार्च में लगा दोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा अगस्त तक उसको फ्रूट लेने का, क्योंकि हर सीड का एक सीजन है जिसमें वो फल देगा। तो आपको देखना है अच्छी वैरायटी का सीड अगर लगेगा तो आपके प्लांट्स अच्छे होंगे। सिलेक्शन ऑफ सीड पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब एक क्वेश्चन बहुत लोग बोलते हैं कि हम देसी सीड लगाएं या हाइब्रिड सीड लगाएं, ये क्वेश्चन बहुत बार होता है, देसी सीड या हाइब्रिड सीड। देसी सीड वो सीड है जो हमारे एंसेस्टर्स बहुत देर से जो है वो उगाते रहे हैं, और वो सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन से अपने आप नेचर पॉलिनेटेड है, और वो जो सीड लगते हैं वही हमारे एंसेस्टर्स या हमारे फार्मर्स उसको रख लेते थे, नेक्स्ट ईयर वो उसी सीड्स को दोबारा से उगा लेते थे, तो वो होती है देसी सीड। हाइब्रिड सीड जो रहते हैं वो हाइब्रिड सीड्स को क्रॉस पॉलिनेट करके कंट्रोल्ड कंडीशंस में उसको तैयार किया जाता है। हाइब्रिड सीड से अगर आप सीड कलेक्ट करोगे, जब वो प्लांट पूरा लगेगा, उसके फ्रूट्स इकट्ठे होंगे, आप सीड कलेक्ट करोगे तो उसमें से उसकी एक तो जर्मिनेशन कैपेसिटी कम रहती है, और वो धीरे धीरे 4-5 साल के बाद वो देसी वैरायटी बन जाती है। तो लेकिन बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, आप चाहे तो हाइब्रिड सीड से आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको एनकरेजमेंट मिले। हाइब्रिड सीड्स जल्दी जो है वो अच्छा फ्रूट दे देते हैं, तो आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, तो आप लगा लीजिए। हमारा मकसद क्या है कि पॉइजन फ्री फूड लेना। तो जब आप अपने हाथ से उगा रहे हो तो आपको पता है आप किसी तरह का जहर नहीं डाल रहे, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड्स भी आप लगा सकते हैं,
धीरे धीरे जैसे आपकी मिट्टी अच्छी हो सकती होती है तो आप देसी सीड लगाना शुरू कर देना, या एक दो पॉट्स में देसी सीड लगा दो, बाकी में हाइब्रिड लगा दो। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके भी आप लगा सकते हो, ठीक है जी। तो ये सीड सिलेक्शन में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए, सीड बहुत जरूरी है, अच्छी क्वालिटी का ही सीड हो। सो यहां तक में किसी की कोई क्वेरी है तो मैं अभी एक दो मिनट ले सकती हूँ। आपने जीवामृत और बीजामृत के लिए बोला ना, बट बीइंग द वीगन व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर इट? आई कैन यूज बायो एंजाइम? यू कैन यूज बायो एंजाइम, यू कैन यूज वेस्ट डीकंपोजर। ओके, थैंक यू मैम। मैम वन मोर थिंग, कैन इज देयर अ लिस्ट ऑफ सीड्स दैट नीड टू बी सोक्ड वर्सेस दैट डोंट नीड टू बी सोक्ड? या जस्ट अ थंब रूल ऑफ बिग सीड्स हैव टू बी डोंट हैव टू बी सोक्ड? आप ना एक रफ आइडिया लेके चलो, जो सीड्स बहुत छोटे हैं उनको आप डायरेक्ट लगा लो, और जो सीड्स थोड़े बड़े हैं उनको सोक करेंगे तो आसानी रहेगी। एक यहाँ पे टिप मैं देना चाहूंगी आपको कोरिएंडर लगाने के लिए। धनिया गर्मियों में नहीं लगता, ये सर्दी की फसल होती है। तो हमारे ग्रुप में हम लोग इस चीज की बात करते हैं, क्या करते हैं, धनिया के सीड लाके उसको पानी में सोक करते हैं और फिर उसको एक वेट क्लॉथ में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं 2-3 दिन के लिए। अब उसके बाद हम उसको ग्रो करते हैं, तो मतलब इन अ वे कि हम धनिया के सीड को भी फूल कर देते हैं तो वो बड़ी अच्छी जर्मिनेशन दे देता है। तो ये एक टिप है धनिया गर्मियों में भी लेने के लिए, गर्मियों में धनिया बहुत महंगा हो जाता है तो कई बार हमें ऐसा भी करना पड़ता है। चलिए अब हमने सीड लगा, मिट्टी कितनी फ्रिक्वेंटली चेंज करनी है, मतलब 6 मंथ्स में जैसे सॉइल बनता है ना ये वाला, उसको चेंज करना होता है? नहीं, अब मैं इसका सच्चा जवाब दूं या झूठा जवाब? सच्चा। मैंने अपने कंटेनर्स में सिर्फ वो उन प्लांट्स की मिट्टी चेंज की है अभी तक जिसको रूट बाउंड हो गया, मतलब इतनी सारी रूट्स होगी गमले में, पॉट में सिर्फ रूट्स ही रूट्स थे, मिट्टी बहुत कम हो गई, सिर्फ उन्हीं का चेंज किया मैंने अभी तक। मिट्टी इतने साल से कोई मिट्टी नहीं बदली क्योंकि इतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो मैं क्या करती रहती, लेकिन फिर भी मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। कुछ दिन पहले एक फार्मर आए थे मेरे घर में, तो उन्होंने जब मिट्टी को देखा मेरी, मेरी मिट्टी आप जैसे यहाँ पे अभी हमने ये ताजी मिट्टी बनाई ना, तो आपको ऐसे उठा सकते हो, तो मेरे गमलों में जो मिट्टी है बिकॉज ऑफ किचन वेस्ट और उसमें बायो एंजाइम डालती हूँ या मैं जीवामृत बना के डालती हूँ, उसकी वजह से मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि उसमें कोई भी लाइक वो खुरपी से चलाने की बहुत जरूरत ही रहती। तो आप भी ऐसा ही ऐसी मिट्टी एंजॉय करेंगे थोड़े दिनों के बाद। अभी मैं उस पॉइंट पे आने वाली हूँ, फर्टिलाइजर वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके मिट्टी में माइक्रोब बढ़ते जाएंगे, अभी एक मूवमेंट शुरू की थी सद्गुरु ने, सेव द सॉइल, उन्होंने बोला था कि सॉइल जो है वो लिविंग एंटिटी है, नॉन लिविंग नहीं है। वो लिविंग कैसे होगी अगर हमारे सॉइल में माइक्रोब बहुत ज्यादा होंगे? अभी मैंने आपको बताया कि इस मिट्टी में मैंने कुछ नहीं उगा के रखा हुआ था, ऐसे ही पड़ा था एक पॉट में, तो आपको इसमें अर्थवर्म्स दिखे, तो अगर अर्थवर्म्स मिट्टी में दिख रहे हैं, अर्थवर्म्स ने तो अपने आप ही उसको पोरस बना देना, जरूरत ही नहीं है उसकी मिट्टी चेंज करने की। हालांकि ये कन्वेंशनल जो नॉलेज है उसके अगेंस्ट जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चेंज करती, मैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स डाल देती हूँ उसमें, जरूरत पड़े तो आई कैन चेंज, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो जाता है, मेरे काफी कुछ ड्रम्स बहुत बड़े बड़े, 12 इंच के गमले की मिट्टी चेंज करना इज इजी, लेकिन बड़े ड्रम्स की मिट्टी चेंज करना अपने आप में एक टास्क है, आई डोंट। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मैं सच्ची वाला जवाब दूं, थियोरेटिकल जवाब दूं या प्रैक्टिकल जवाब दूं। थैंक यू मैम। मिट्टी की कंपोजिशन एक बार फिर से बता दीजिए जो आपने पॉट के लिए तैयार की है, जस्ट एक रिपीट। मैं अपनी जो आज मैंने तैयार की उसका मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा। मैंने 3 baskets ये मिट्टी की डाली थी, 1 basket मैंने अपने होम कंपोस्ट की डाली थी, और इसके अंदर 2-3 मुट्ठी नीम खली डाली, और इसको पोरस बनाने के लिए मैंने कोकोपीट 1 basket मेरी भरी थी और कोकोपीट की वो डाली, राइट।
और मेरे पास ये वर्मी जो क्यूलाइट बोलते हैं इसको, वो भी है, लेकिन ये मैंने अभी डाला नहीं है. ये सिर्फ अगर मैं जो मेरे कैक्टस और सक्कुलेंट्स होते हैं ना, उसी में मैं ये पॉटिंग मिक्स में डालती हूँ मैं, राइट. या बहुत ही हल्की करनी हो तो मैं डालती हूँ, अदरवाइज मैं इसको जो परलाइट जो है वो मैं जनरली नहीं डालती हूँ. तो ये वोल्केनिक ऐश का है. बाकी 3 बास्केट मिट्टी, 3 पार्ट समझ लीजिए. एक पार्ट मैंने डाला है कंपोस्ट का. अगर गर्मी है तो आप 1 पार्ट डाल लो, अगर सर्दी है तो आप 1.5 पार्ट डाल लो, और उसके अंदर 1 पार्ट आप राइस या कोकोपीट डाल लीजिए, और एक मुट्ठी छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी, अगर बड़ा गमला है तो 2-3 मुट्ठी नीम खली डाल दीजिए, और नहीं तो 1 चम्मच हल्दी डाल दो. बाकी मैंने ट्राइकोडर्मा का जिक्र किया था, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है तो आप छोड़ सकते हैं. एक्सक्यूज मी, मैं जो आपने धनिया बताया वो कितनी देर तक रखना चाहिए रेफ्रिजरेटर? 2 डेज रख लो, 48 आवर्स रख लीजिए, आप 3 दिन रख लो. ओके थैंक यू जी. हम बीच का ट्रीटमेंट फिर से हॉट बताइए वेदर एप्पल्स हैं. हाँ जी, मैडम, बीच का ट्रीटमेंट फिर से बता दीजिए एक बार. किस बीच क्या का चीज़ जी? ट्रीटमेंट, बीच का बीज ट्रीटमेंट. का, उसमें कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसमें सीड सोक कर दो, आधा पौना घंटा ओके बस उसको. थैंक यू. ठीक है. मेरे पास बोला कि 3 इयर्स ओल्ड लीफी वेजिटेबल के सीड हैं, वो उगेंगे या नहीं? देखिए, जर्मिनेशन कुछ सीड्स की होंगी, कुछ अगर वायबल सीड्स होंगे तो होगी, नहीं तो नहीं भी हो सकती, उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा. कैन बी मेक कोकोपीट एट होम, मैंने कल भी बताया था. अगर नारियल के फाइबर्स आपके पास टाइम है, उसके फाइबर्स अलग करते जाओ, नीचे एक टब रख के, तो टब में कोकोपीट अपने आप ही कन्वर्ट होती चली जाएगी. अब हम इरिगेशन पे आते हैं. नेक्स्ट हमारा आ गया, हमने सीड लगा दिया या सैपलिंग लगा दी. अच्छा, एक जो गोभी है, मिर्ची है, ब्रिंजल है, और ना मिर्च, मतलब मिर्च की कोई भी वैरायटी, कैप्सिकम की, रेड कैप्सिकम हो, ग्रीन हो, येलो हो, ब्लैक हो, या ग्रीन चिलीज हो, और शिमला में ये गोभी होगी, बंद गोभी होगी, इनकी आप हमेशा सैपलिंग्स लगा के ट्रांसप्लांट कीजिए. तो डायरेक्ट सीड से ना लगाइए, सैपलिंग्स बना के इनको ट्रांसप्लांट, राइट. अब हमारी दालचीनी पाउडर भी आप थोड़ा सा याद डाल सकते हैं. दालचीनी पाउडर, जब भी आप प्रूनिंग करेंगे अपने प्लांट की, आप जब प्रूनिंग करेंगे अपने प्लांट, तो सपोज हमारे पास प्लांट है, इसके ऊपर आप प्रूनिंग की, तो दालचीनी यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा, ताकि फंगस का अटैक ना हो. जैसे हमारे चोट लगती है वो एक्सपोज हो जाती जगह, तो ऐसे ही एक प्लांट में एक्सपोज होता है, तो ऊपर दालचीनी लगा लीजिएगा. अब पानी कितना डालना है और कब डालना है, तो आपके प्लांट में पानी कब डालना है, आपने मिट्टी देनी है, मतलब गमला देखना है. अगर आपको फिंगर आपके अंदर जा रही है तो मतलब उसमें मॉइस्चर है. अगर आपको मिट्टी हार्ड लग रही है तो उसमें मॉइस्चर कम है, आपको पानी डालना है. विंटर 3-4 दिन पे भी पानी डलता है तो ठीक रहता है, समर में कई बार हमें 2 बार भी डालना पड़ता है या 1 बार भी डालना पड़ता है. इसका कोई इसी तरह से आप देखिए, अगर उसको प्लांट को जरूरत है तो डालिए. आमतौर पे हम लोग ये जो फार्मर्स है वो जो अर्बन पीपल पानी डाल डाल के प्लांट को मार देते हैं, क्योंकि तो हमें बड़ा शौक रहता है. ओके, हमें लगता है सिर्फ उसको प्यास ही लगती है और कुछ नहीं लगता. हम जब सुबह शाम पाइप लेके या पानी जो है उसमें वो डालते रहते हैं, तो पानी प्लांट की जरूरत के अकॉर्डिंग लगाना है. पानी ओवर वाटरिंग से फंगस का अटैक बहुत होता है, अंडर वाटरिंग से प्लांट उतना नहीं मरता जितना कि ओवर वाटरिंग से प्लांट मरता है. ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए. अगर आप प्लांट चाहते हैं कि बहुत देर तक चले, तो उसमें पानी जो है वो उतना नहीं डालना, ठीक है. जितना आप सुबह शाम पानी नहीं डालना, की जरूरत के हिसाब से, जितनी उसको प्यास लग रही उसी के हिसाब से उसको पानी डालेंगे, राइट. तो अब इसमें पानी आप सपोज अगर आपका सेम फ्लोर पे है, आप जो कपड़े वॉश कर रहे हो, अगर हाथ से धोते हो, जो लास्ट रिंस वाला पानी है वो आप यूज कर सकते हो. बर्तन धोते हो, सपोज अगर आप पानी है उसमें आप पहले रिंस को क्लीन कर रहे हो उसका जूठन निकालने के लिए, वो पानी भी आप डाल सकते हो. तो हम पान और एक राइस जब आप धोते हो या दाल धोते हो, उसका पानी जरूर रख लिया कीजिए.
उसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, वो 2 दिन 3 दिन रखे उस पानी को अगर डालेंगे तो आपके प्लांट विल बी रियली वेरी हैप्पी। अब ये होगी हमारे वाटरिंग। अब प्लांट्स को की छत बहुत बड़ी है, तो ऐसा ना करना कि सिर्फ ब्यूटी के लिए प्लांट, एक प्लांट यहाँ रख दिया, दूसरा इधर रख दिया, तीसरा इधर, थोड़ा दूर दूर मत रख। प्लांट्स भी हमारी तरह, अगर आप मान बिलीव कर सकते हैं तो आप बिलीव, दे टॉक विद वन अदर। आप प्लांट को ग्रुप में रखो, झुरमट बना के रखो, पास पास रखो उसको। एक तो उनका मॉइस्चर रिटेन रहता है, दूसरी बात है वो प्लांट्स एक्चुअली, ये आप एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हो कि आप मान लो 10 प्लांट इकट्ठे रखे हैं, आप उस 10 में से 9 एक जगह रखिए, एक को अलग रख दीजिए, आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि प्लांट इज नॉट हैप्पी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि जो बेस्ट फर्टिलाइजर है हमारे प्लांट्स के लिए वो आपके फुटस्टेप्स हैं। अगर आप सिर्फ गार्डनर के सिर पे आप सब्जी उगाएंगे, मालिक के सिर पे सब्जी उगाएंगे, तो वो आपको इतना सक्सेस नहीं मिलने वाला, यील्ड जो है वो कम हो जाएगी आपकी। ये जो चीजें हैं वो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जब आप अपने गार्डन में उगाएंगे, अगर मान लो एक दिन नहीं तो एक दिन छोड़ के, तो आपको जो आपके प्लांट्स हैप्पी और आपको यील्ड ज्यादा देंगे। मैम आवाज आपका है ना टूट रहा है मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कभी कभी तो हाँ है ना, रुकिए मैं लैपटॉप से वॉइस कर रही हूँ इसकी वॉइस। अंजलि जी आप अभी डीएम के नाम से उसको स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। अभी इससे आवाज ठीक आ रही है? यस मैम, यस मैम, जी मैम। अंजलि जी आप हैं? मगर वीडियो चलेगा मैम? हाँ ऋतु जी आवाज ठीक आ रही है आपकी, अभी वीडियो बंद है, वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ मैंने वीडियो चालू किया, अगर अंजलि जी नहीं है तो आप देखिए डीएम जहां पर है उसको पिन कर लीजिए आप। अच्छा एक मिनट, डीएम को कर दिया है मैंने स्पॉटलाइट, बट आपका वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो नहीं आ रहा जी? जी अभी वीडियो आ रहा है जी? नहीं नहीं नहीं। ओके अब देखिए, हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके ओके ठीक है ठीक है, तो अभी आवाज भी बराबर है? हाँ परफेक्ट परफेक्ट। ऑल राइट, तो हमने इरिगेशन की भी बात कर ली, हमने प्लांट्स की कम्युनिकेशन की भी बात कर ली कि प्लांट्स को इकट्ठा रखिएगा, पास पास रखिएगा, बहुत दूर रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब जब आपने मिट्टी आप भर ली अपने गमले में, प्लांट लगा लिया, अब एक मल्चिंग बहुत जरूरी होती है। अब मल्चिंग के लिए ये देखिए आप देख पा रहे हैं गन्ने का जो रस रहता निकाल के जो बाकी का बचता है वो है ये। तो ये शुगर केन जूस निकाल के बाकी बचा, इससे आपने मल्चिंग, मल्चिंग क्या होती है देखिए, मल्चिंग आपने ये प्लांट लगा दिया, सपोज ये हमारा प्लांट लग गया, तो हमने इसकी मिट्टी को कवर करके रखना है, इसकी मिट्टी को हम कवर करके रखेंगे ताकि हमारा जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहे। हमने इसके आसपास चाहे तो ड्राई लीव्स डाल दीजिए, मैंने ये शुगर केन के रेमिनेंट्स रखे हैं यहाँ पर लाके, तो उससे इस चीज को हम मल्चिंग कहते हैं कि हमने अपनी मिट्टी को कवर कर दिया। अगर आप फॉरेस्ट में जाओ आपको कभी मिट्टी नजर नहीं आती, फॉरेस्ट में हमेशा ही आपको पत्ते गिरे नजर आएंगे। आप जस्ट अ मोमेंट, आपको जंगल का जो फर्श होगा उसमें हमेशा पत्ते नजर आते हैं, तो आपने उस तरह की नेचुरल कंडीशंस देनी है जंगल जैसी। तो जब आप कहोगे इसका क्या फायदा होगा, तो अब जब इसमें पानी आप डालेंगे
तो एक तो मॉइस्चर इसमें रिटेन रहेगा, बहुत देर तक इसमें पानी जो है वो नहीं डालना पड़ेगा, पानी सेव होगा। दूसरी बात, इस इन पत्तों के नीचे जो माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स को सीधी धूप नहीं पड़ेगी और वो माइक्रोब्स खुश होके अपना काम करते रहेंगे। अब सॉइल में माइक्रोब्स की क्यों जरूरत है, हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं, इतनी मूवमेंट्स माइक्रोब्स को ये बढ़ाने में क्यों लगी हुई हैं? वो इसलिए है कि जो आप फूड दे रहे हो प्लांट को, कोई भी इसमें डेड लीव्स है या जो भी फूड आप इसको दे रहे हो, खाद दे रहे हो, वो अवेलेबल फॉर्म के लिए, प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में बदलने के लिए माइक्रोब्स बहुत जरूरी है। ये डीकम्पोजर्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जो सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोब चाहिए। जहां पर कोकोनट बहुत होता है, वो कोकोनट की फाइबर से इसको ढक सकते हैं। मतलब मिट्टी, वैसे भी आप नेचर में देखो, आप कहीं भी मिट्टी गिरा लो या कोई प्लॉट देख लीजिए, धीरे 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 उसको जो नेचर है घास से ढक देती है, ग्रास जो है वो ढक देती है। ड्राई शुगर केन अट्रैक्ट फ्लाइज, ये हाउस हनी बीज को भी अट्रैक्ट करेगा, और वो हनी बीज हमारी पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। आप बालकनी में अगर नहीं चाहते हो तो आप नहीं, अगर आपकी छत पे है तो आप ये शुगर केन वाला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप बालकनीज में कर रहे हैं तो आप लीव्स को डालिए। देखिए हमारी, जब हम अगर सब्जी और फ्रूट उगा रहे हो तो मधुमक्खी बहुत जरूरी है। मधुमक्खियों के बिना, मेरे को बहुत सारी कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि घिया के फूल लग रहे हैं, तुरई के फूल लग रहे हैं, लेकिन फ्रूट में नहीं बदल रहा। तो उसके लिए क्या है, पॉलिनेशन नहीं होती, उसके लिए हमें हैंड पॉलिनेशन करनी पड़ती है कई बार। जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का हमें हैंड पॉलिनेशन करनी पड़ती है अगर हमारे गार्डन में हाउस फ्लाइज नहीं आ रही। तो हाउस फ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, कुछ फ्लावर्स लगाने पड़ेंगे ताकि हाउस फ्लाइज उनकी तरफ आए। और कई बार क्या होता है, अगर बहुत हाइट पे है तो भी हाउस फ्लाइज नहीं आती, सॉरी ये हनी बीज को अट्रैक्ट करना है, गलती से मैंने हाउस फ्लाई बोला, हनी बीज को अट्रैक्ट करना है। तो कई लोग क्या करते हैं, एक लीटर वाटर में एक चम्मच हनी का डाल के स्प्रे कर देते हैं, और या फिर हम अपना बायो एंजाइम स्प्रे करें या वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे करें, वो भी हनी बीज को बहुत अच्छा अट्रैक्ट करता है। तो ये जो मल्चिंग है, अगर आपको कोई कहे ना पॉलिथीन शीट मिलती है मल्चिंग शीट, उससे कर लो, गर्मी में कभी भी उसको इस्तेमाल ना करना, क्योंकि उससे क्या होगा, हीट अंदर की बाहर नहीं निकल पाएगी। मल्चिंग आप बेस्ट मल्चिंग जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है, जब मैं कंपोस्ट बनाती हूँ तो ये पत्ते पूरी तरह से पहले साइकिल में डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ, तो उसकी जो मल्चिंग है वो बेस्ट रहती है। या फिर कोकोनट जब हम खाते हैं तो उसके फाइबर से मल्चिंग कर देते हैं, मल्चिंग से वीड्स भी बहुत कम आती है, क्योंकि धरती का एक असूल है, वो कहती है या तो तुम मुझे ढक दो या मैं अपने आप से ढक लूंगी खुद को। तो मिट्टी खाली रहेगी तो उसमें वीड्स उगेंगी, और मिट्टी अगर इस तरह से ढकी रहेगी तो धरती को पता है, मिट्टी को पता है कि अब मेरे माइक्रोब जो है वो बचे हैं, तो इसलिए वीड्स को वो नहीं पनपने देती ज्यादा। अब अगर मान लो वीड्स हैं आपके गमले में तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप अगर वीड्स को काटे, रूट अपरूट ना करें, वीड्स को अपरूट ना करके आप उसको सपोज इससे आपका ये वीड है मिट्टी के ऊपर, इतना वीड है आपका, ये मिट्टी के ऊपर है, ये यहां से आप उसको, अगर आपके प्लांट से बड़ा हो रहा है तो वो यहां से काट लीजिए और उस वीड को फिर से इसी मिट्टी में गिरा दीजिए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो जो मिट्टी में रूट्स हैं, रूट्स एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरट्वाइंड रहती हैं, घुल मिल के रहती हैं, वो रूट्स की दुनिया डिस्टर्ब नहीं होगी, और वीड जो हमने काट के मिट्टी में डाली है वो वीड जो है उस वो वीड धीरे धीरे डिकम्पोज होके उसको न्यूट्रिशन भी देगी, तो उसको भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। आप सोचोगे कि मेरे पास अगर 15 गमले हैं तो मेरे पास टिलिंग का टाइम नहीं होगा, खुरपी से कैसे मैं उसकी मिट्टी सॉफ्ट करूंगी। जैसे जैसे आप ये राइस वाटर, दाल वाटर या आपके होममेड जो बायो एंजाइम है वो डालेंगे, जैसे आजकल वाटरमेलन बहुत आ रहे हैं, इसके छिलके को आप पानी में सोख करके रख दीजिए,
और वो तीन दिन बाद पानी डाल दीजिए, वो एक लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाएगा। और काउडंग केक्स अगर कहीं से मिल रहे हैं आपको, काउडंग केक्स गर्मी में हमें लिक्विड फर्टिलाइजर ज्यादा देनी है। काउडंग केक्स को पानी में सोक कर दो, उसका पानी आप अपने गमलों में डाल दीजिए। तो पहले मैंने बोला ठंडा, हमें ठंडी खाद देनी है गर्मियों में, ठीक है। तो जो गाय के गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट थोड़ी गर्म होती है, तो उसको भी कैसे यूज करना है, उसको भी पानी में सोक करके रख दो, तो वो जो टी बचेगी वो टी आप अपने प्लांट्स को डालो। तो मैंने बोला एक तरबूज के छिलकों का पानी डाल दो, राइस दाल वाटर, या आप मिट्टी और खाद बाल्टी में भिगो के रख दो, उसका जो ऊपर का पानी है वो आप थोड़ा थोड़ा डालते रहो, जब खत्म हो जाए फिर से पानी डाल दो उसमें अंदर, वो तीन चार बार पांच बार भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने आपको बोला काउडंग केक कितने दिन के बाद में, कितने दिन भिगो के यूज करना है, आप उसको तीन चार दिन के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उसके बाद फिर से पानी डाल देना, फिर आप तीन चार पांच दिन बाद यूज कर लो। तो ये सर्कल आप कम से कम चार पांच बार कर सकते हो, जो उपले बचेंगे बाकी या जो भी आपके मिट्टी या खाद का जो बाकी हिस्सा बचेगा उसको आप थोड़ा ड्राई करके कंपोस्ट में डाल सकते हैं। तो ये जो कंपोस्ट टी बनती है ये प्लांट्स के लिए गर्मियों में फायदेमंद रहती है। और एक वंडर लिक्विड होता है, आप मस्टर्ड केक से बनता है, थोड़ा सा गर्म है, इसको बहुत डाइल्यूट करके डालना। मानो मेरे पास ये देखिए एक मुट्ठी, ये मस्टर्ड केक है, आपको नजर आ रही है, से 100 grams, प्लीज यस ओके। आप सपोज 100 grams मैंने मस्टर्ड केक लिया, आप इसको बकेट में सोक कीजिए और उसके साथ थोड़ा सा पीस गुड़ का डाल दीजिए, मस्टर्ड केक और साथ में थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको पानी डाल के रख दीजिए। अब ये 24 घंटे 30 घंटे रख दो, उसके बाद वो जो आपकी फर्टिलाइजर तैयार होगा इट विल बी वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ एनपीके एज वेल एज अदर मिनरल्स। उसको डाइल्यूट करके, उसको भी बहुत बहुत डाइल्यूट कर लेना, मतलब जो आपने सपोज आपने 100 grams डाला 10 liter की 10 liter वाटर में, तो उसके अंदर भी 4-5 गुना और पानी डाल के एक एक कप अपने गमले, 12 इंच का मान लो या उससे बड़ा गमला है तो एक एक कप उसमें डाल देना, और ये रिपीट कर लीजिए 20 के दिन बाद। और कोई पुरानी नेल्स हो, कोई एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, कोई पुरानी नेल्स हो ना वो भी आप एक दो अपनी मिट्टी में डाल सकते हो, धीरे धीरे वो साइड में डालना ताकि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपके लगे ना, एक दो नेल्स आप मिट्टी में डाल दोगे वो आयरन का सोर्स बन जाएगा, ठीक है। अगर कैल्शियम की आपको जरूरत लगती है तो पान वाले से थोड़ा सा चूना लेना, बुझा हुआ चूना, बिल्कुल एक पिंच लेना उसको 2 liter पानी में, और वो भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो तो कैल्शियम मिल जाएगा। तो आपके घर में ही बहुत कुछ अवेलेबल है आपके पौधों के लिए। कोकोनट केक का आपने पूछा, मैंने कभी पर्सनली इस्तेमाल नहीं किया और मैं ना उस चीज पे कमेंट करना चाहती हूँ जो मैंने खुद यूज नहीं किया, ठीक है। तो कोकोनट केक का एक क्वेश्चन आया, तो एनपीके इज एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, राइट। तो ये कुछ आपको मैंने फर्टिलाइजर्स बताए हैं। और एक मैं जीवामृत बनाती हूँ, वो बहुत बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर बनता है, अगर आप वो कहीं से अगर बना सको तो आपको मैं तरीका बता देती हूँ, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर लीजिए। बेसिक उसके सो आपने इसमें क्या डालना है, 200 मैं अच्छा मिली बग के लिए मैं तो लिखने जीवामृत वेरी डिफिकल्ट, तो आपने मैं तरीका बता देती हूँ, जो आप बना सकते हैं वो बनाइए। इसके अंदर देसी गाय का गोबर और देसी गाय का यूरिन लगता है, गोमूत्र लगता है, तो मैं आपको 200 लीटर के हिसाब से बताती हूँ, आप उसको कम करके अपने 20 लीटर की बाल्टी में भी बना सकते हो। अगर आप 200 लीटर का आप लिख सकते हैं, इसमें 10 kg काउडंग, ऑफकोर्स आप पांच अगर 20 लीटर की बनाएंगे तो आप उसमें उससे 20 से डिवाइड कर लीजिएगा, 10 kg
काउडंग, फ्रेश काउडंग लेना है, 10 लीटर गोमूत्र, गोमूत्र चाहे साल दो साल पुराना हो तो भी चलेगा, लेकिन काउडंग फ्रेश होना चाहिए। इसके अंदर 2 kg बेसन डलेगा, किसी भी दाल का आटा डाल सकते हो, जरूरी नहीं चने का, कोई भी दाल अगर घर में फालतू आप नहीं यूज करें उसको पीस के, या कोई भी आप डाल दीजिए। और 2 किलो गुड़ डलेगा इसके अंदर, और 100-200 ग्राम मिट्टी डलेगी, पीपल या बनियन ट्री के नीचे की मिट्टी जनरली लेते हैं, क्योंकि उसमें वो नहीं होता, कोई भी केमिकल नहीं यूज होते, और उसके अंदर माइक्रोब बहुत होते हैं, हमने बेसिकली माइक्रोब्स को ही बढ़ाना है। जैसे हमने कल बायोएंजाइम का किया, बायोएंजाइम को जितना डाइल्यूट करेंगे उसमें माइक्रोब उतने मल्टीप्लाई होंगे और वो उतना ही फायदा देता है। गोमूत्र के बिना जीवामृत नहीं बन सकता मोना जी। और ये आप एक ड्रम में डाल दीजिए और उसको छाया में रखना है, कॉटन के कपड़े से ढकना है, सुबह शाम इसको हिलाना है। आप चाहे तो 10 लीटर में, 5 लीटर में बना सकते हो, एक अच्छे भले, जैसे मेरे घर में 3 फ्लोर पे प्लांट्स है तो मेरे लिए 5 लीटर जीवामृत बहुत होता है। तो ये आपने हफ्ता भर सुबह शाम इसको हिलाना है अच्छे से और ढक के रखना है, हफ्ते के बाद यूज हो जाएगा। और बेस्ट रहता कि आप 2-3 दिन के अंदर ही इसको यूज कर लीजिए, नहीं तो माइक्रोब बनना शुरू हो जाते हैं। अगर बचता है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और डालकर 2 दिन और यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगी फर्टिलाइजर्स की बात। अब बात करते हैं कि अगर हमारे प्लांट्स के ऊपर कोई पेस्ट अटैक आ रहा है, अभी एक क्वेश्चन आया है मिली बग का, ठीक है। जब जनरली क्या होता है, जैसे सीजन एकदम से अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये इंसेक्ट्स आ जाते हैं। आपने इसमें क्या करना है, सबसे ज्यादा जो हम टेरेस गार्डनर्स हैं, हमें मिली बग और टमाटर मिर्ची के केस में लीफ कर्ल तंग करता है, इसमें आप अच्छा गोट डंग का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोट डंग से भी कंपोस्ट बना सकते हैं, गोट वो भी बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। तो मिली बग के लिए सबसे पहले तो आप अपने प्लांट्स में एक बार स्प्रे कर दिया कीजिए पानी का, जेट ऑफ वाटर से आप उनको अपने प्लांट्स को धो दीजिए अच्छे से। जैसे एक बार अगर आपने पानी डाला सुबह, गर्मी की बात करें, और शाम को आप उसको वाटर जेट से स्प्रे कर दीजिए, तो उससे काफी मिली बग कंट्रोल रहते हैं। अगर आप हर रोज मान लो स्प्रे कर रहे हैं गर्मी के दिनों में तो मिली बग नहीं आएंगे। अगर फिर भी आ गया तो प्लांट को अच्छे से धो के आप कोई भी पेंट ब्रश से उसको मिली बग को रिमूव करके सैनिटाइजर स्प्रे कर देना थोड़ा डाइल्यूट, उससे भी मिली बग जो है वो हट जाते हैं। वैसे ये माना जाता है कि नेचर में, जो मैं पहले भी डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की बात, नेचर में वो कहते हैं कि अपने प्लांट हमेशा चाहता है कि बेस्ट जीन आगे मल्टीप्लाई हो। अगर आपकी मिट्टी वीक है तो प्लांट अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और बीमारी को कि मुझे अब खत्म कर दो, नहीं तो मैं वीक जीन आगे सीड्स में दूंगा। तो इस तरह से होता है। एक आपको मैं बताती हूँ, मैंने ये 2 साल की बात है, 1.5 या 2 साल की बात, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई डॉटर इन, आई वॉज इन माई स्कूल, कि मामा छत पे बहुत कीड़े हैं, बहुत कीड़े हैं। सर किस तरह के कीड़े हैं? कहती मामा बस आप सोचो कि प्लांट के ऊपर कीड़े ही कीड़े हैं, वो बेसिकली वो बालों वाले इंसेक्ट्स थे। तो मैंने कहा हर प्लांट पे है? कहती हमें नहीं पता, बट हम एक प्लांट पे देख के आ गए हैं। तो व्हेन आई केम होम, एक्चुअली वो प्लांट था, हम इधर पंजाब जोन में सिंगरे बोलते हैं उसको, रेडिश पॉड होते हैं उसके, जो सिंगरे रहते हैं उसके बीन्स हैं, उनका पकाने पे बिल्कुल रेडिश जैसा टेस्ट होता है। अब मार्च का मंथ था, उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था। अब क्या आप बिलीव कर सकते हैं, उन इंसेक्ट्स ने सिर्फ उन प्लांट्स के पत्ते खाए, बाकी उसके आसपास टमाटर थे, ब्रिंजल्स थे, इवन कॉलीफ्लावर लगी थी, कैबेज लगी थी, किसी को भी उसको उन्होंने इंसेक्ट्स ने अफेक्ट नहीं किया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्लांट एक्चुअली में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और पूरा पत्ते खा के सिर्फ डंडियां बच गई थी, उसकी ब्रांचेस बच गई थी, बस दैट्स इट, प्लांट वॉज ऑल फ्री ऑफ लीव्स। लेकिन उसके बाद जब मैं शाम तक मैं घर आई हूँ, कोई भी इंसेक्ट नहीं था।
ये प्लांट के नेचर के अपने वेज होते हैं। अब हमारे पास दो तरह के इंसेक्ट होते हैं, एक होते हैं कार्निवोर्स इंसेक्ट, एक होते हैं हर्बीवोर्स इंसेक्ट। जो हमारे पास हर्बीवोर्स इंसेक्ट है ना, वही नुकसान करते हैं, वो पत्ते खाते हैं, कार्निवोर्स आके तो उन्हीं को खा लेंगे। तो मैं शुरू शुरू में जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की तो मैं उसके अंदर एक पेस्टिसाइड स्प्रे करती थी, 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच नीम ऑयल, 1 चम्मच नीम ऑयल, 3/4 स्पून शैम्पू, वो सोप की सरफेस टेंशन को तोड़ने के लिए, और पिंच ऑफ सोडा डाल देती थी, 1 स्पून नीम ऑयल, 3/4 स्पून कोई भी लिक्विड सोप हो जाए, और उसके अंदर 1 या 2 पिंच मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। अब इसको मैं स्प्रे कर देती थी कभी हफ्ते बाद, कभी 10 दिन के बाद, प्लांट्स को बचाने के लिए। लेकिन अब इतने साल वाटर भी मिक्स करना है 1 लीटर पानी में जी। ओके अच्छा मैम, शैम्पू भी तो केमिकल ही हुआ ना? शैम्पू केमिकल हुआ, कोई भी सोप डाल दीजिए आप, जो आप जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ये थोड़ा सा हमने इस्तेमाल करना है, केमिकल है, पॉइजन नहीं है। ठीक है, ये हमने स्प्रे करना है, सॉइल में नहीं डालना। स्प्रे सिर्फ इसलिए करना है कि कड़वे हो जाते हैं जब पत्ते, तो हर्बीवोर्स इंसेक्ट नहीं खाते। हमें पॉइजन फ्री फूड बनाना है। और अब क्या है, अब मेरी मिट्टी इतनी ज्यादा अच्छी है। हाँ, सोपनट भी यूज कर सकते हैं जी आप, अगर बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन आया है सोपनट का, मैं भूल गई थी, थैंक यू सो मच। तो सोपनट को सोप करके पानी में उसको बॉईल करके उसको छान के वो भी यूज कर सकते हैं जी अगर आप। तो ये आपको केमिकल का भी सजेशन आ गया, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो थैंक यू सो मच। वो भी हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही थी मेरे घर में अब क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, आई मीन कुछ को 5 साल है, कुछ और भी पहले हैं जो गमले कुछ उससे, तो अब मुझे जनरली नीम ऑयल भी स्प्रे नहीं करना पड़ता। अब दूसरी बात, लीफ कर्ल की बहुत दिक्कत होती है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। टमाटर में और मिर्ची में लीफ कर्ल की बहुत दिक्कत होती है। जैसे ही आप देखते हैं लीफ कर्ल स्टार्ट होने लगा है, लीफ कर्ल एक वायरस डिसीज है, इसका कोई इलाज नहीं होता। अगर ये पूरा फैल जाए, ऐसे प्लांट को अपरूट करके ही फेंकना पड़ता है। बट इन केस आप देखते हो कि ये स्टार्ट ही हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें एक से आधा लीटर पानी में थोड़ी सी 1-2 चम्मच हल्दी उबाल लीजिए, और जब वो बॉईल हो जाए उसको बंद करके 2-4 जो गार्लिक के वो रहते हैं फ्लेक्स, वो पीस के उसमें डाल दो गरम गरम में ही। अब जब ठंडा होने पे छान लो, उसको स्प्रे करेंगे दिन में 2 बार, 3-4 दिन के लिए स्प्रे कर दो प्लांट के ऊपर, तो बिगनिंग के स्टेज में वो लीफ कर्ल जो है उसको वो बंद हो जाता है, खत्म कर देता वायरस को। लेकिन अगर वो बहुत फैल गया उस पौधे पे, तो बेटर है आप उस पौधे को अपरूट करके फेंक दीजिए, नहीं तो आपके बाकी के प्लांट्स भी अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो टाइम टाइम पे 15-15 दिन, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद थोड़ा थोड़ा कोई भी फर्टिलाइजर आप इसमें डालते जाइए। एक कच्चा दूध स्प्रे कर सकते हो, उसमें भी एंटीवायरस प्रॉपर्टी रहती है। बटर मिल्क स्प्रे कर सकते हो, उसमें भी एंटीवायरल प्रॉपर्टी, ये आपने देखना आपको क्या कन्वीनियंट है इन चीजों में से, तो आप उसको स्प्रे कर सकते हो। मैं सिर्फ पानी से ही धो देती हूँ अपने प्लांट्स को। और अगर किसी ने वीगन ऑप्शन बोली थी, तो वो बायो एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए, या एक सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है उसको आप उस पे लिखा होता है कितनी डाइल्यूशन में, वो आप महीने में एक बार स्प्रे कर सकते हैं, वो भी न्यूट्रिएंट्स में रिच रहेगा। जैसे आपके बच्चे हैं, जितने वो अच्छे न्यूट्रिशन लेंगे वो बीमार कम पड़ेंगे, ऐसे ही अगर प्लांट्स में न्यूट्रिशन अच्छी है तो वो प्लांट हेल्दी होगा, बीमार कम पड़ेगा। कुछ प्लांट्स में ना इस तरह का जो बेल पत्र है इसमें ऊपर में कुछ ब्राउन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका रेमेडी क्या मैडम? फंगल डिसीज ना हो। नहीं वैसे तो फंगस तो नजर नहीं आ रहा कहीं भी। नहीं वो मिट्टी में होता है जी फंगस। नहीं बट कैसे थोड़ा सा जो दिखता है ना वो कोई नजर नहीं आ रहा कहीं भी। या तो फिर देखिए ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही जी?
शादियों से तो पहले कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आया नहीं है इतने सालों में, ये इस साल पहली दफा देख रहा हूँ मैं, शायद गर्मी की वजह से हो रहा ज्यादा नहीं, नहीं इस बार आपने देखा कि मई महीने में भी टेम्परेचर कम हो रहा है, कभी बहुत तेज धूप है कभी टेम्परेचर डिप कर रहा है, जब भी सडन चेंजेस टेम्परेचर में आते हैं तब भी ऐसा हो सकता है, या फिर ओवर वाटरिंग होगी तो उससे भी हो जाता है, उसके रूट्स में फंगस आ जाती है, तो अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड ऑर्गेनिक है वो डाल दीजिए उसके अंदर तो वो ठीक हो जाएगा। वैसे इसका कारण सडन चेंज इन टेम्परेचर या ओवर वाटरिंग या फंगल अटैक हो सकता है। पत्तों के नीचे कोई एग्स वगैरह तो नहीं नजर आ रहे आपको? नहीं मुझे एड्स वगैरह तो नहीं, क्लीन है। ठीक है, तो एंटी फंगल क्या डाल सकते हैं? एंटी फंगल के लिए हल्दी हुई का पान डालें? आप इसके अंदर साफ डाल सकते हो, साफ आता है एक फंगिसाइड, 1 लीटर में आप उसको 2-3 पिंच कह लो छोटा स्पून डाल के वो इसकी मिट्टी में डाल दोगे तो साफ जो है वो बेटर रहेगा। 4 साल का मैंगो ट्री है, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट फ्रूट्स? देखिए ये आपने अगर तो ग्राफ्टेड लगाया तो अब तक फ्रूट आ जाता, अगर वो सीड ग्रोन है तो उसमें कई बार 10 साल भी लग सकते हैं, 12 साल भी लग सकते हैं। मैम यू वर गोइंग टू टेल मी द वेजिटेरियन ऑप्शन फॉर बोन मील? बोन मील की वेजिटेरियन ऑप्शन जो मैंने आपको जीवामृत वगैरह बताया है ना, ओके ये सारे उसी की ऑप्शन है, ठीक है। और बाकी हमारे अपने खाने में देखिए, आई एम आल्सो वेगन पास्ट 12 इयर्स, तो मेरे अपने खाने में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई कि मुझे कोई डेफिशिएंसी हो रही हो। तो जो हम खा रहे हैं उसी के छिलकों से तो हम अपनी होम कंपोस्ट बना रहे हैं, तो हमारी होम कंपोस्ट में सब कुछ ही मिल जाता है प्लांट को। एलोवेरा ग्रो नहीं हो रहा तो एलोवेरा में पानी ना ज्यादा डाल रहे हो आप, उसकी मिट्टी में थोड़ी सी सैंड मिलाइए तो एलोवेरा ग्रो होगा। बाकी एक सनलाइट वाला पॉइंट जो है वो मिस हुआ है, आप जहां पर भी सब्जी या फ्रूट लगाते हैं उसमें वो वाला प्लेस चूज कीजिए जिसमें मैक्सिमम सनलाइट आप। कैन वी यूज गार्लिक बायोएंजाइम एज? आप इसमें 3G कीजिए ना, जिंजर और एक गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली डाल दीजिए, उसका बायोएंजाइम बना लीजिए, वो एक पेस्टिसाइड का काम करेगा, या नीम के लीव्स का बायोएंजाइम बना दीजिए वो पेस्टिसाइड का काम करेगा। मैम आपके जो एक बार बताइए वो कहाँ मिलेगी अच्छी, अमेज़न पे या आप किसी भी लोकल मार्केट में पता कीजिए ना जहाँ पे एग्रीकल्चर शॉप्स होती हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क, मैंने मोगरा के 2-3 पेड़ लगाए हैं, तो शुरू में तो जो कलियां आती है वो खिलते हैं, उसके बाद लीफ कर्लिंग हो जाते हैं, उसके पीछे स्मॉल स्मॉल व्हाइट डॉट होते हैं, सो हाउ टू रेक्टिफाई? उसको आप पहले अच्छे से वॉश कीजिए प्लांट को, पत्तों के नीचे भी वो उसको वो इन्फेस्टेड हो गया है उसमें, मतलब देखा नहीं बट एफिड्स हो सकते हैं उसके अंदर, अच्छे से नीचे पत्तों के नीचे भी धोइए, ऊपर तो है नीचे अटैक, जनरली जो एग्स हैं वो नीचे ही आते हैं। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो पूर्णिमा या अमावस होती है ना, फुल मून या नो मून डे होता है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट का अटैक इन 2 दिनों में होता है, तो अगर आप नीम ऑयल वाली रेमेडी करना चाहते हो तो ये 2 दिन में आप छिड़कोगे अगर प्लान करके, तो आपके प्लांट्स हैं उनपे बहुत कम इन्फेक्शन आएगा, बहुत कम इन्फेस्टेशन आएगा। अमावस और पूर्णिमा ये 2 दिन होते हैं इंसेक्ट ब्रीडिंग के, तो उस टाइम ये एग देते हैं पत्तों के। मैम आपने बताया कि जो पौधों को साथ में रखना चाहिए, ये तुमने मना दे देना ना, बाकी सब अगर म्यूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैम को बोलने दे। मैम मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो ग्रुप में बताया कि पेड़ पौधे को ग्रुप में रखना चाहिए तो रखते अच्छी बात है, लेकिन जो मनी प्लांट होता है हम लोग डेकोरेशन प्लांट के तरह से उसको घर में अलग ही रख देते, तो उसको भी ग्रुप में रखना चाहिए उसको, या फिर उसको अलग ही छोड़ दें,
मनी प्लांट चल जाता है क्योंकि इसका क्लाइंबर जो है काफी आगे तक चला जाता है, राइट? तो लोटस ग्रो कैसे कर सकते हैं? देखिए फिग बड़े नहीं हो रहे. देखिए आपकी मिट्टी में जितना न्यूट्रिशन होगा प्लांट उतना बड़ा ही फ्रूट बियर कर सकता है. अपनी मिट्टी धीरे धीरे आप माइक्रोब रिच कीजिए तो आपकी मिट्टी अच्छी बनेगी. एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट का आपके इंस्टेड ऑफ बोन मिल यूज बटर मिल्क वेल डाइल्यूटेड एंड लाइम वाटर चूना और सी शेल पाउडर. तो ये मेरी गुरु हैं लक्ष्मी जी जिनका ये अभी सजेशन आया है. तो उन्होंने बोला है कि सी शेल पाउडर या लाइम जो चूना है वो यूज कीजिए. न्यूट्रिशन का तो मैंने आपको बता दिया ना, न्यूट्रिशन का मैम एग शेल्स यूज कर सकते हैं. अगर आप खाते हैं तो आप उसको शेल को धो के क्रश करके डाल दीजिए. मैं नहीं यूज करती. मेरी तुलसी सोक रही है, मेरी तुलसी है वो सोक रही है बिकॉज ऑफ दिस सीजन. सो व्हाट आई कैन डू? इस सीजन में तो तुलसी बहुत अच्छी हो जाती है. तो आप देखिए कहीं पानी तो नहीं ज्यादा डाल रहे कि आप भी पानी डाल रहे हैं कि तुलसी को जल चढ़ाना है, फिर आपके हस्बैंड भी डाल रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों को भी बोल रहे हो कि तुलसी पे जल चढ़ाइए. नो सो एनीथिंग एल्स आई कैन यूज? हां जी मैं वाटर अल्टरनेट डे डालती हूँ मैम. ठीक है, जब आपकी वो मिट्टी सूखे तो डालो बस. ओके मैम, मुझे मैंगो ट्री के बारे में फिर से पूछना था. आपने कहा कि सीड से है तो बिल्कुल सीड ग्रोन प्लांट्स जो है उनपे फ्रूट लेट आता है. ग्राफ्टेड वैरायटीज पे पौधा जो फ्रूट है वो जल्दी आ जाता है. अब मेरे पास किसी के 10-12 साल पुराना मैंगो ट्री था लेकिन उसमें फ्रूट नहीं आया. तो मैंने उनको जीवामृत जब दिया, उन्होंने 4-5 बार डाला तो उसके बाद उनको उनके ट्री पे फ्रूट आ गया. तो हर फ्रूट की अपनी अपनी डेफिशिएंसी है ट्री की. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सीड कैसा है. इसीलिए मैंने शुरू में बोला सीड सिलेक्शन या प्लांट सिलेक्शन बहुत बड़ी एक वो है कि जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. तो ये आपको देखना है कि आपका सीड ग्रोन है या नहीं. ओके, तो मैं इसी प्लांट ट्री पे ग्राफ्टिंग कर सकती हूँ? आपका कितना बड़ा ट्री है वो आप देखिए. आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो उसकी किसी भी एक मोटी ब्रांच पे जिसके कम से कम इतना मोटा ब्रांच हो. हाँ हाँ उतना तो है. हाँ उस पे आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो मॉनसून में. ये अजय जी ने हैंड रेस किया. हाँ जी अजय जी. मैडम जी तुलसी वाली क्वेरी के लिए वो मैंने कहीं पढ़ा था कि तुलसी के लिए कहते हैं कि बाथरूम को पानी मत यूज करिए, आप किचन का पानी यूज करिए तुलसी में डालने के लिए, उससे तुलसी अच्छी ग्रो होती है. ये आपका हर एक का अपना बिलीफ है. तो आप पानी यूज कर लीजिए. हम अपने तुलसी को बहुत रिलीजियस मानते हैं प्लांट, तो वैसे भी हम बाथरूम में से पानी आई थिंक हम अवॉइड ही करते हैं. हम फ्रेश वाटर ही यूज करते हैं. मैम जो लोटस का आपने बोला है ना, लोटस के लिए आपको ट्यूबर खरीदनी पड़ेगी क्योंकि जो मार्केट में सीड होते हैं उनसे जब ग्रो करते हैं वो कई बार वो विलेज के जो पॉन्ड होते हैं उसके सीड दे देते हैं तो वो हमारे घरों में टब्स में ग्रो नहीं करते. और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो आप. फिश अगर एक्वेरियम है, हाँ अगर आपके घरों में एक्वेरियम है जब आप उसका पानी चेंज करते हो वो पानी बहुत 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 अच्छा एक फर्टिलाइजर बन जाता है अपने प्लांट्स के लिए. वो अपने प्लांट्स में जरूर डालिए रादर देन पुटिंग इन ड्रेन. यस गायत्री जी. जी मुझे पूछना था कि हाइब्रिड और देसी सीड्स में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो तो आप जब खरीदेंगे तभी आप देख सकते हैं. हाइब्रिड सीड्स के जो सीड्स बनते हैं ना उनसे बहुत अच्छी सेम टाइप के फ्रूट्स नहीं उगेंगे. देसी जो है वो ईयर आफ्टर ईयर आप सेम यूज कर सकते हो. देसी ब्रीड जो है आप कलेक्ट कर सकते हो. अगर आप मैंने आपको एक सजेशन दिया था फर्स्ट टाइम गार्डनर हो आप तो आप हाइब्रिड से स्टार्ट कर सकते हो एंड देन स्लोली जब आपकी मिट्टी सेहतमंद हो जाएगी यू कैन शिफ्ट टू देसी या फिर मिक्स एंड मैच करके. मान लो एक करेले की वैरायटी देसी लगा दी एक हाइब्रिड लगा दी ताकि ऐसा अगर मान लो देसी पे नहीं लगा कम से कम हाइब्रिड पे लगेगा. आपको ये नहीं होगा कि फूड उगा नहीं. करेला इज ड्राइंग अप फ्रॉम ग्रोइंग स्मॉल.
करेला ड्राई अप इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सॉरी पॉलिनेशन नहीं हुई. अगर पॉलिनेशन नहीं होगी, घिया का फीमेल फ्लावर लगेगा, उसका ये तुरई का लगेगा फीमेल फ्लावर, लेकिन अगर उस टाइम पे मेल फ्लावर नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं हो रही. हनी बीज नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं हो रही. तो आपको मेल फ्लावर, मैं आपको ये कर दूंगी कैसे हैंड पॉलिनेशन, आपको मेल फ्लावर के पॉलेंस लेके फीमेल फ्लावर के ऊपर शेड करना पड़ेगा. चाहे तो पेंट ब्रश के साथ साथ कर लीजिए, या डायरेक्ट ही उसका जो स्टेमेन है उसको फीमेल फ्लावर के ऊपर रखेंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेट होगा, तब आपका फ्रूट आएगा. नहीं तो वो छोटे छोटे आपको लगेगा करेला बन रहा या घिया बन रहा, लेकिन वो आगे बढ़ेगा नहीं. ऐसा सब बोल रहे हैं कि इफ यू आर यूजिंग द काउ मिल्क या काउ डंग, यू हैव टू यूज अ देसी वैरायटी ऑफ दिस. इज इट अ ट्रू थिंग? यू कैन यू, नहीं है ना मैम? या नहीं? यस वैजंती जी. मैम मेरे पास अनंत फूल का झाड़ है, मगर उसके पत्ते अभी पूरी तरह से सूख रहे, अभी तक अच्छे थे. उसको अभी तक धूप में रखती थी, मगर अभी मैं 3 दिन से साये में रख रही हूँ, मगर वो कुछ भी उसमें प्रोग्रेस नहीं है. पानी मैं 2 दिन के बाद देती हूँ. एनी रेमेडी? उसमें आप हल्दी का पानी डाल के देख लीजिए, और सुबह शाम की धूप जरूर लगवाएं. एकदम से जब धूप से छाया में आएगा तो भी प्लांट जो है वो उसको थोड़ा फर्क पड़ जाता है. नहीं, एक्चुअली साये में नहीं है, मगर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा, उसके ऊपर धूप नहीं है इसीलिए टॉवेल बाजू में रखा है ताकि उसको डायरेक्टली सनलाइट मिल जाता है. हल्दी डाल के देख लीजिए, हल्दी का पानी डाल के. ओके थैंक यू. ओके जी मैम, मेरे प्लान रामदेव जी का गौमूत्र यूज कर सकते हैं? मैंने यूज किया, मैं सीधा ही जो काउ फार्म होता है, गौशाला है, वहां से लेकर आती हूँ. मुझे उसका कोई आइडिया नहीं. इजीली दे देते हैं? देखिए हमारे इधर एक गौशाला है जिसमें सिर्फ देसी गाय ही है और कोई नहीं है ब्रीड, तो मैं वो सेल करते हैं वो मूत्र, तो मैं उनसे ले आती हूँ. एक सेकेंड मैम, एक पॉइंट और दिमाग में आया है, जब सर्दियों में बहुत ज्यादा फॉग रहती है उस टाइम अगर आप गौमूत्र को डाइल्यूट करके स्प्रे कर दें तो सर्दी के अटैक से थोड़ा सा बचाव हो जाता है. द क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीड्स टू सो एज पर प्लांट टाइप एंड पॉट साइज. देखिए अगर आप घिया तुरई वगैरह का सीड सो कर रहे हैं तो कम से कम उसको 15 इंच से 20 इंच के पॉट में लगाएं तो एक ही सीड लगेगा. ऐसी चीजें पालक है तो बहुत काफी सीड लग जाएंगे उसके, धनिया है तो ज्यादा लगेंगे. जो प्लांट बड़ा होगा उसमें एक पॉट में एक ही प्लांट लगेगा. अब हम सेशन वाइंड अप करें. मैम मुझे पूछना था, मेरे प्लांट में लीव्स है वो स्टिकी हो जाती है थोड़ी सी, ऐसे व्हाइट व्हाइट आ जाता है, स्टिकी हो रही है. वो मिली बग ही है मिली, मेनली वो तुलसी का होता है ना, तुलसी बहुत स्टिकी हो जाती है. मिली बग है वो, मिली बग का अटैक है इसलिए स्टिकी होता है वो. वो मैंने आपको बोला था पानी से धोके उसको हल्का सैनिटाइजर से स्प्रे कर देना 3 दिन. कुंदरू के फीमेल फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर आपने 3G 4G कटिंग ज्यादा कर ली होगी मैम, इसलिए मैम तो आप हम सेशन वाइंड अप करें क्या? मेघना जी का हैंड रेज है अभी तक. I just had one question, ma'am, if possible. अगर हम मिली बग्स के ऊपर स्प्रे करते हैं चाहे पानी या कुछ भी, तो वो अगर गमले के अंदर ही जाती हैं तो वो वापस हो गएंगे, लग जाएंगी ना उस पे, तो क्या सॉइल बदलना पड़ेगा? नहीं नहीं, नो मर जाती है वो, तो डिकम्पोज हो जाएंगी. ओके आई थॉट वो वापस वही वापस लग जाती है. चींटियां लाती हैं इनको. ओके तो मतलब सॉइल के अंदर भी बस ले आती हैं. ओके मैम थैंक यू वेरी मच. नेचर का ना, जितना इसको स्टडी करोगे ना नेचर को, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो. ठीक है, किस तरह से इंसेक्ट्स की जो इंसेक्ट्स की दुनिया वो भी बड़ी ही मजेदार है. कुछ इंसेक्ट्स आपको मदद करने आएंगे, आपको लगेगा ओहो ये कहाँ से आ गया इसको मारूं, क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी हो जाती है इंसेक्ट देखा उसको मारा. कई इंसेक्ट्स आपकी हेल्प करने आते हैं, आपको सिर्फ एक बार देखना है
जैसे बटरफ्लाइज जनरली सिट्रस के पत्ते खाने आते हैं, उसके लार्वा, तो अगर 2, 4, 10, 20 पत्ते खा भी लेंगे तो क्या होगा, हम फटाफट से उस लार्वा को निकालते हैं और फेंक देते हैं, और वो उन कुछ पत्ते खा के वो बटरफ्लाई धीरे धीरे प्यूपा बनेगा और बटरफ्लाई बन के उड़ जाएगी, तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम लोग की टेंडेंसी ये हो जाती है कि फटाफट से उसको खत्म कर दें हम, तो आपको देखना पड़ेगा, पहले उसको स्टडी करो, उस इंसेक्ट को 2-3 दिन स्टडी करो, नुकसान हो रहा है तो कुछ देखो, नहीं तो उनको मजे करने दो, आप लिव एंड लेट लिव। नहीं, प्लांट्स कर मिली बग्स, थैंक यू, थैंक यू जी, प्लांट्स थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू एकता, इनको जी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत थैंक यू सो मच रितु जी, बेटर तो आपको कैमरा और सब कुछ बेटर लगा आपको पहले से कि नहीं? क्योंकि मेरा खुद, मैं कल अपसेट हो गई, आज भी जब मुझे बोला गया कि कैमरा जो है वो सही से सेटिंग नहीं थी, बिकॉज वी आर ऑल नोवाइस, तो जब प्रोफेशनल हो जाओगे अब धीरे धीरे, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा हो गया कि आप लोगों ने अगर पिन पॉइंट किया तो आज इम्प्रूवमेंट हो गई, तो वो भी एक अच्छी बात है। आई लर्न फ्रॉम यू, thank you so much to everyone, thank you, for thank you so much. We want again this type of sessions, we want again this type of session, okay, hum group mein active rahenge, koi problem hai group mein dal dijiye, but limited number of messages ho, jab actually problem ho nahi to kya hota, zyada messages se fir kuch log disturb hote hain to wo leave kar jate hain, baki remedies hum jitna mujhe pata uske accordingly apni information ke hisab se main group mein remedy de dungi, और हम कुछ लोग जो वाकई बहुत अच्छे गार्डनर्स बन जाएंगे उनको हम अपने ग्रीन थंब ग्रुप में भी डाल देंगे, और बाकी अगर मैम ने बोला था, अंजलि मैम ने, कि कोई भी इस तरह का प्रोग्राम होस्ट करना चाहता है अपनी लोकेलिटी में, तो आप अंजलि मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम जस्ट एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो गार्डन है, इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ टूर ऑफ योर गार्डन, इट विल बी रियली नाइस टू सी दैट। क्या मैं वीडियो भेजूं? आप एक वीडियो अगर बना के भेजें हमारे लिए ग्रुप में। हाँ, मैं छोटी छोटी वीडियोस भेजूंगी, क्योंकि बड़ी वीडियोस जाना मुश्किल हो जाता है, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको भेज दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो मेरा नींबू के ने बोला है व्हाइट पीसेस ऑन हिबिस्कस, ये भी सेम है, हिबिस्कस को मिलीबग बहुत प्यारा लगता है, मिलीबग के अटैक रिपीटेड होते हैं हिबिस्कस में, आपको हिबिस्कस का खास ध्यान रखना पड़ेगा, वही सेम रेमेडी है, वो मिलीबग ही है व्हाइट। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, लेमन का ट्री है, फ्लावर तो बहुत आते हैं पर कन्वर्ट नहीं होता लेमन में, अभी मैंने इस बार अभी जीवामृत ही डाला था, एकदम फ्लावरिंग से भर गया है, अब मैंने उसे 2 दिन से पानी नहीं दिया, जैसे लोग कहते हैं पानी नहीं देना चाहिए, फ्लावरिंग के टाइम पानी थोड़ा सा कम होना चाहिए। हाँ, मैंने उसे 2 दिन से पानी नहीं दिया, आज सोच रही थोड़ा दे दूंगी। आप गर्मी इतनी, अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप हनी स्प्रे कर दीजिए 1 लीटर पानी में 1 स्पून डाल के, तो हनी बीज आएंगी, तो पॉलिनेशन होगी, तो फ्रूट बनेगा। बाकी अगर देखिए, अगर मान लो 1000 फ्रूट फ्लावर लगा ना एक पेड़ पे, तो उसमें से 500 नींबू बनेंगे, 500 में से बहुत सारे नींबू झड़ जाएंगे, प्लांट उतने ही रखेगा अपने ऊपर जितने उसको बियरिंग कैपेसिटी है, उससे हनी बीज तो बहुत आती है, डेली शाम को हनी बीज से भरा होता है, हनी बीज तो खूब घूमती है, फिर तो हनी की जरूरत डालने की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपने अभी जीवम ने डाला ना, 21 दिन बाद फिर रिपीट कर लीजिएगा। नहीं, मेरे को 15 दिन हो गए हैं, अभी मैंने आज गोबर मंगाया, फिर बनाऊंगी, तब तक 21 दिन हो जाएंगे। हाँ, तब तक 21 दिन हो जाएंगे, 21 दिन बाद रिपीट करते, बट डालना डाइल्यूट है, गर्मी है अभी। हाँ नहीं नहीं, मैंने बहुत पतला करके 2 लीटर में 18 लीटर पानी मिक्स किया था। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी बस पहले मैंने 2 चीजें नहीं डाली थी, चने का आटा, अभी मैं बेसन और ये बड़ और पीपल की मिट्टी आज उसमें डालूंगी। ठीक है, तो हम वाइंड अप करते हैं, थैंक यू गॉड, सक्सेसफुली ये सेशन कर पाए, वी ऑल एंजॉयड, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू रितु जी, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच मैम। जयपाल पुनिया जी भी जुड़े हैं, आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू जयपाल पुनिया भाई सर, ये तो मैंने देखा ही नहीं, आपकी शागिर्द हूँ, मेरे गुरु जुड़े हैं आपके साथ, लक्ष्मी जी हैं मेरे गुरु हैं, जयपाल पुनिया जी मेरे गुरु हैं, तो मैं तो सब देख नहीं पाई, तो मेरा
आप सबको स्पेशल प्रणाम है और स्पेशल धन्यवाद है ये सब सिखाने के लिए। तो ये रिकॉर्डिंग आपको कल तक या सुबह तक मिल जाएगी, तो मैं वो डाल दूंगी। तो अब ये जयपाल पुनिया भैया आपने मुझे मार्क्स देने हैं कि मुझे 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप आज ताकि मैं और सीख सकूं। लक्ष्मी जी भी चलिए अंशु मैम बाइंड अप कर दे, हम खत्म करें सेशन। हाँ, वो गौ मूत्र कौन सी जगह से मिल जाएगा, कौन सी गौशाला? आप अपने शहर में देखिए जी, आप अपने अपने शहर में देखिए, मैं आपके शहर की नहीं बता। लुधियाना? हाँ लुधियाना, आई मीन लुधियाना। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगी, मतलब मैं आपको अरेंज करने में हेल्प करवा दूंगी। ओके थैंक यू। चेरी टोमेटोस के लिए कुछ है क्या एक्स्ट्रा? कुछ नहीं, सितंबर में सीड सो करके सैपलिंग्स लगा लेना। थैंक यू लक्ष्मी मैम। ओके थैंक यू एवरीबॉडी, एंड देन शैल आई क्लोज ऋतु जी? या श्योर। ओके बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू।